ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में ट्रेवर अपने गांव वापस चला गया था और अपना जो मेन टारगेट है वो है अंडर वाटर माफिया को रेस्क्यू करवाना। अब यार देखो, जो मिलिट्री का नल है वो तो साफ साफ कह रहा है कि तुम बिग माफिया के भाई को मार दो और अंडर वाटर माफिया को ले जाओ, लेकिन यार हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। एक दोस्त को बचाने के लिए दूसरे दोस्त को नहीं मारेंगे। तो यार देखो, अभी ना फिलहाल लेस्टर ने एक बहुत तगड़ा प्लान बनाया था जिसमें उसने अंडर वाटर माफिया की जो लोकेशन है वो पूरी की पूरी ट्रैक कर ली थी, और वो लोकेशन थी मिलिट्री बेस का सीक्रेट बेस, जहां पर अभी हम लोग आकर फंस चुके हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि यहां पर अंडर वाटर माफिया है ही नहीं और यहां पर जितनी भी सिक्योरिटी हम ऑलरेडी सबको मार चुके हैं। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर हमारी लेस्टर से कॉल पे बात हुई थी और लेस्टर ने एक गुड न्यूज दिया, एक बैड न्यूज दिया। चलो पहले बैड न्यूज बताता हूं। बैड न्यूज ये है कि हम लोग यहां से अभी बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा मिलिट्री सोल्जर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं और अगर हम लोग बाहर निकलेंगे तो सीधी सी बात है हम लोग मारे जाएंगे। और गुड न्यूज ये है कि वो लोग भी अंदर नहीं आ सकते हमें मारने के लिए क्योंकि वो जो लिफ्ट है ना वो लेस्टर ने पूरी की पूरी लॉक कर दिया हैक करके, कोई भी उसे छेड़ नहीं सकता। बट ऐसा ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, मिलिट्री वाले कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकाल के अंदर आएंगे और फिर से हमारे ऊपर काफी दबाव पड़ने वाला है। अब यार देखो, लेस्टर कह रहा है कि ना वो कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढता है हमें यहां से बाहर निकालने के लिए। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, जिस कंप्यूटर से हमने उसे डेटा भेजा था ना उसी कंप्यूटर से जितने भी सीसीटीवी है ना उनकी मतलब मेरे को एक्सेस देनी है ताकि वो देख पाए कि आखिरकार यहां पर चल क्या रहा है। बाकी तो यार एक सेकंड, ये कंप्यूटर अभी तक चल रहा था बट ये बंद कैसे हो गया? तो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये किया किसने, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम यहां पर आया था तो कंप्यूटर पूरा वर्क कर रहा था, यहां से मैंने लेस्टर को फाइल्स भी भेजी थी बट यार अब तो ये कंप्यूटर जा चुका है, यानी कि अब हम लोग यार लेस्टर को सीसीटीवी का एक्सेस नहीं भेज पाएंगे। यार अब हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाकी तो यार आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कि एक सेकंड यहां पर काफी सारे बूट्स हैं। मेरे को पता है क्या लग रहा है गाइस, किसी बंदे की जिसकी गोली लगी है ना उसके अंदर जान बच गई होगी और वो यहां पर आया है और इस कंप्यूटर के अंदर ना सारा डेटा इरेज कर यहां से चला गया है। एक काम करता हूं, जो ब्लड ड्रॉपलेट्स है ना इसको मैं फॉलो करता हूं तो पता चलेगा कि आखिरकार वो बंदा कहां से आया था और किधर गया है। भाई ये तो काफी ज्यादा गलत सीन हो गया यार, अब पता नहीं लेस्टर क्या करने वाला है, अब हमें वो कैसे बचाएगा भैया कुछ नहीं मालूम। तो भी जल्दी से ना गाइस जो ब्लड ड्रॉपलेट्स हैं इनको फॉलो करते करते मैं चलता हूं। यार वो बंदा अगर देखो यहां से गया है तो सीधी सी बात है वो अभी भी जिंदा होगा, तो मुझे काफी संभल के रहना पड़ेगा। अपनी गन मैं बाहर कर लेता हूं, वो काफी ज्यादा जल्दी में आया, मतलब एकदम चुपचाप से आया, कुछ पता ही नहीं चला, हम लोग इतने टाइम से यहां पर थे। बाकी यार एक सेकंड वो यार इसी रूम के अंदर गया। ये देखो यहां पर गाइस काफी ज्यादा ब्लड भी लगा हुआ है और इस एक सेकंड ये पीछे वाला ग्लास, अच्छा ये फ्रैंकलिन ने तोड़ा, भाई मैं डर गया था। ये जो ब्लड ड्रॉपलेट्स है ना गाइस वो इस रूम के अंदर गई है। बाकी यार इस रूम के अंदर कुछ भी नजर तो नहीं आ रहा है, एकदम अंधेरा हो रखा है यार, ब्लैक हो रखा है क्योंकि इसके अंदर ना शायद से प्राइवेसी ग्लास कहते हैं गाइस इसे, इसको अगर हम ऑन कर दे तो पूरा ब्लैक हो जाता है, ऑफ कर देता है तो नॉर्मल हो जाता है। तो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इस प्राइवेसी ग्लास के उस पार मैं कैसे देखूंगा। मेरे पास एक टॉर्च है तो यहां पर टॉर्च जलाकर देखते हैं। नहीं भाई ये ग्लास तो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसके पार का कुछ भी नजर नहीं आने वाला। लेकिन गाइस मेरे पास एक बहुत ज्यादा जबरदस्त आइडिया है, तो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग ये पूरा का पूरा गेट ही तोड़कर साइड कर देंगे, नहीं खोल ना कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर भी मैंने काफी सारे स्टिकी बॉम्ब्स लगा दिया। फ्रैंकलिन जल्दी से पीछे आ जा, अब बस मैं ये वाला गेट ब्लास्ट करूंगा फिर तू देखते जा, जल्दी भाग कर। बाकी मैं अपने वेपन निकाल लेता हूं। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बंदा ना यहीं कहीं पर है। फिलहाल इस तरफ में एक रूम है, इसके अंदर मैं, ओ भाई ये कौन सी जगह, यहां पर मैं गया था क्या लास्ट टाइम? मेरे को देखने में तो नहीं लग रहा कि इसके अंदर मैं गया था। फिलहाल यहां पर कुछ भी नहीं है, ऐसी किसी जगह पर मैं गया तो था, मेरे को लग भी रहा नहीं भी। बाकी यार इसके अंदर यहां पर मिलिट्री बेस का मैप तो आ रहा है, ये देखो ये जो जगह है ना शायद से मिलिट्री बेस का ही मैप है। बाकी इसके अंदर भाई पूरे के पूरे लॉस सैंटोस वगैरह जितनी भी जगह है हर जगह का मैप इसके अंदर नजर आ रहा है। पता नहीं ये डिस्प्ले है क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर की तरफ भी पता नहीं क्या सीन है भाई, ये काफी ज्यादा अलग जगह है। तो सबसे पहले ना गाइस वो जगह को मैं ब्लास्ट करता हूं ताकि गेट वो टूटे, फिर हम लोग अंदर जाके देखेंगे क्या सीन है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर हम दोनों ने कवर ले लिया है, जल्दी से मैं इस बॉम्ब को ब्लास्ट करता हूं और यहां पर गेट तो मेरे हिसाब से खुल गया होगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ये वाला गेट तो हमने तोड़ दिया है, जल्दी से हम लोग अभी अंदर चलकर देखते हैं कि आखिरकार वहां पर कौन है। तो देख लो भाई जो भी है चुपचाप बाहर निकल जाओ वरना बहुत ही बुरी तरह मारे जाओगे। फिलहाल यहाँ पर अंदर दो तीन बंदे तो इनको मैंने मार दिया। तो लो भाई यहाँ पर ये तो बेचारे दो दो गोलियों में ही लुढ़क गए। लेकिन यार मेरे को अभी पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अंदर और भी ढेर सारे बंदे हैं, इसके तो सीधा मत्थे भी बजाऊंगा, निकलती रही ऐसी की जैसी, बहुत देर से एम करके बैठा हुआ है बेटा, रीलोड भी करनी होती है। तो चलो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इसे मारा। फ्रैंकलिन आराम से, तू पिस्टल से क्यों लड़ रहा है भाई, एक मिनट रुक जाओ यहाँ पर ना गाइस, अब मेरी बारी। यहाँ पर तो गाइस ये मिलिट्री हेडक्वार्टर का बंदा है जो कि मेरे चाकू मारने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं इसको जिंदा रखना है भाई, ये एक सेकंड फ्रैंकलिन जल्दी अंदर आ भाई, ये तो भर देगा चाकू। अभी गाइस जल्दी यहां से मैं भागता हूं, इसको मेरे को गन नहीं मारनी है, मैं चाहूं तो इसको अभी कभी मार दूं। अब आ बेटा निकल यहां से, अब पड़ेगी गंजे के रख रख के। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर हमें मिलिट्री हेडक्वार्टर का एक बंदा मिल चुका और फ्रैंकलिन भर के मारे से। तो भाई अब हमें यहां से बाहर निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता है क्योंकि गाइस अब ना हम लोग इसके थ्रू मिलिट्री वालों को करेंगे टॉर्चर, मतलब मारेंगे इसको, दर्द मिलिट्री वाले हर एक बंदे को होगा। तो गाइस अभी ना फिलहाल सबसे पहले तो ना हमें
मार मार के इसका गुस्सा शांत करवाना है। भाई इसका प्लान तुमने देखा, मतलब कि यहाँ पर जितना भी डाटा था ना वो इसने क्लियर करवा दिया और चुपचाप यहाँ पर आकर बैठ गया। और जितने भी बंदे ऐसे थे जिनके अंदर थोड़ी बहुत भी जान बची थी ना, उनको अपनी सिक्योरिटी बनाकर यहाँ पर जिंदा बचकर जाना चाहता था। बेटा हमारे हाथों तू गलत फंस गया, अब बस चुपचाप शांत हो जा। अभी भी यार उसके अंदर दम तो बहुत है, मतलब अकड़ बहुत ज्यादा है, इसको लग रहा है यार बांधना पड़ेगा। फ्रैंकलिन बांध इसे, अभी इसको जब तक हम बांधेंगे नहीं ना ये तब तक हमसे लड़ने वाला है। भाई ये मिलिट्री हेडक्वार्टर का बंदा है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, तो तू इसे जल्दी से इसको लपेट यहाँ पर पूरा मारता रहा, छोड़ियो मत, बहुत बढ़िया। तो भी जल्दी से मैं एक बार ना गाइस लेस्टर को कॉल करके बताता हूँ। तो कि गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर कह रहा है कि भाई तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। वैसे यार देखो मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इतना बड़ा मिलिट्री का बंदा यहाँ पर अंदर बैठा होगा। तो गाइस देखो बिना फिलहाल अभी इसकी भैंस की अभी तक बेहोश ही नहीं हुआ क्या? तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल बहुत मजाक हो गया, जल्दी से ना गाइस मैं इसको बेहोश कर देता हूँ। ले भैया मुंह पे पड़ा सीधा शॉट और अभी भी तेरे अंदर जाना है, एक और देना पड़ेगा गाइस मेरे। बस 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 कर, और नहीं मारना, और नहीं मारना, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बस बस बस। फ्रैंकलिन की इसने एक मुक्के मार दिए थे इसलिए फ्रैंकलिन को गुस्सा चढ़ गया है। बाकी यार वो तो भी फिलहाल थोड़ा वो सर पे मैंने मार दिया ना बेसबॉल बैट, इसलिए थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया है। और लेस्टर ने कहा कि अब बस तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है, इसको एक टाइप से ना हम हॉस्टेज बनाने वाले हैं। मतलब कि मिलिट्री वालों को ना बस अभी लेस्टर धमकी देने वाला है कि अगर तुम लोगों ने हमें यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया तो हम लोग इसे मार देंगे। और लेस्टर भी अपनी आवाज में नहीं बात करेगा, वो दूसरी आवाज में बात करेगा ताकि जो मिलिट्री कर्नल है उसको ये ना पता चले कि हम लोग अंदर हैं और साथ में लेस्टर भी है, क्योंकि वो सबको जानता है। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल इस मिलिट्री हेडक्वार्टर के बंदे को मैंने एकदम प्यार से समझा दिया है कि अगर तू कोई भी चालाकी करेगा तो सीधी सी बात है हम लोग तेरे को यहां पर मार देंगे और तेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर तू हमारी बात मानता है तो तेरे को हम लोग जिंदा छोड़ देंगे। तो यार देखो अभी फिलहाल ये कह रहा है कि चलो मैं तुम्हारी बात मानने को राजी हूं। और अभी ना मेरी लेस्टर से दोबारा कॉल पे बात हुई थी और गाइस लेस्टर ये कह रहा है कि इसके थ्रू तुम्हें बाहर निकलना है, मतलब इसके ना सीधा मत्थे पे एम करके रखना है और मिलिट्री वालों को ऐसा दिखाना है कि अगर तुमने हमें मारा तो हम लोग इसे मार देंगे। अगर हमने एक सेकंड की भी मिस्टेक करी, यानी कि जो इसके मत्थे से हमने एक सेकंड के लिए भी एम हटाया, तो हम लोग वहीं के वहीं मरने वाले हैं। तो ये जो काम है ना काफी ज्यादा रिस्की है बट उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो भी जल्दी से गाइस हम लोग यहां से बाहर निकलने की प्लानिंग करते हैं। तो भी फटाफट से इसको बुलाते हैं और यही टाइम है यहां से बाहर निकलने का। चल भाई जल्दी से आ जाओ दोनों के दोनों। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ये दोनों भी भागते भागते आ चुके हैं। तो फटाफट से फ्रैंकलिन बस तू इसका ध्यान रखियो, वैसे अंदर की तरफ में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है ध्यान रखने की, जो मेन हमें ध्यान रखना है वो बाहर चल के रखना है। बाकी तो आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो कितनी बुरी तरह हमने हर एक बंदे को मारा था। और इस वाले रूम के अंदर गाइस काफी सारे वेपन्स पड़े हुए हैं बट अभी ना हमें वेपन्स की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे पास काफी सारे स्मोक्स हैं, स्टिकी बॉम्ब्स हैं और हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल जल्दी जल्दी आओ भाई दोनों भागते हुए। फ्रैंकलिन मत्थे पे एम रहना चाहिए, एम हटना नहीं चाहिए, बस इतनी देर के लड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मेरा भी एम रहेगा ही साथ के साथ मैं इसके ऊपर एम रखूंगा और सीधा धीरे धीरे करके ना गाड़ी के पास जाऊंगा। तो गाइस देखो बिना फिलहाल लेस्टर ने हमें बोला था कि जब तुम लिफ्ट में पहुंच जाओ तो वहां पर जाकर बस बटन दबा देना और लिफ्ट काम कर जाएगी। अब यार देखो जो मतलब मिलिट्री वाले ना वो नहीं यूज कर पा रहे होंगे बेचारे इसको। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई दोनों, फटाफट से मैं बटन दबाने जा रहा हूं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर हम तीनों ऊपर आ चुके हैं। फ्रैंकलिन सीधा इसके मत्थे पे एम करके रख, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी फटाफट हम लोग यहां से बाहर निकलते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग इस मिलिट्री हेडक्वार्टर के बंदे को ऊपर लेकर आ चुके हैं। बाकी यार अभी ना इसको जल्दी से अपने साथ लेकर चलते हैं। और गाइस यार यहां पर सच्ची में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, ऊपर की तरफ में देखो यहां पर एक हेलीकॉप्टर, दो हेलीकॉप्टर, तीन हेलीकॉप्टर और बाकी गाड़ियां तो बहुत ज्यादा है। तो चुपचाप अभी जल्दी से हमारे पीछे आते रहे। फ्रैंकलिन इसके ऊपर से एम मत हटाइयो, जैसे ही अगर मिलिट्री वालों ने कुछ करा तो सीधा ये मरने वाला है। बाकी यार यहां पर जो हेलीकॉप्टर है ना इसका शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो एकदम आराम आराम से चलना है। तू आगे आगे चल, तू आगे आगे चल, बस फ्रैंकलिन तू पीछे रहियो, यहां पर इनको छोड़, बस इसके ऊपर एम रहना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने मेरी गोली मारी भाई मेरे पास तो आर्मर है, मैं फिर भी दो तीन गोली खा जाऊंगा, लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो सीधा एक ही गोली में मरने वाला है। फटाफट फटाफट साइड से आ, ओए साइड हट, पे साइड हट जा वरना सबके सब मरोगे। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग इस मिलिट्री हेडक्वार्टर के बंदे को ऊपर लेकर आ चुके हैं। फ्रैंकलिन इसके ऊपर से एम मत हटाइए वरना ये जितने भी मिलिट्री वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। बाकी तो और आप लोग यहां पर देख पा रहे हो सामने की तरफ में कितने सारे सोल्जर्स हैं, ऊपर की तरफ में एक हेलीकॉप्टर है, राइट में एक हेलीकॉप्टर है, लेफ्ट में भी एक हेलीकॉप्टर है और पीछे से भी निकलने का रास्ता है नहीं। चुपचाप चुपचाप अभी फटाफट से साथ साथ आते रहा, क्योंकि अगर इसने कोई भी चालाकी करी ना सीधा इसकी गोली पड़ेगी और अगर मिलिट्री वालों ने कोई चालाकी करी तब भी ये मरने वाला, ये नहीं बचेगा भाई। अब बस ये हमारे साथ चले, हमें बस यहां से निकलना ही निकलना है। बट अगर मिलिट्री वाले भी कुछ ना कहें और ये भी कुछ ना कहे तो ये बच सकता है शायद। तो फ्रैंकलिन जल्दी से भाग कर आ जाए, इतनी दूर मत जा। तो गाइस इस टाइम पर ना फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है, बेटा ज्यादा चौड़े मत हो, तेरे सीधा मत्थे पे गोली मारूंगा मैं और जो जितने भी मिलिट्री वाले ना सारे के सारे मुंह देखते रह जाएंगे। फटाफट से इसको बस अपने साथ लेकर चलते हैं। और लास्ट टाइम स्पेशली बोला था इसके ऊपर पूरा ध्यान रखना, ये भी चालाकी कर सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गन पकड़कर मोड़ दे। और फिलहाल जल्दी जल्दी घूम 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 फटाफट से घूम। ओके तो यहाँ पर सामने की तरफ में एक गाड़ी खड़ी है, जल्दी 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 आ जल्दी आ। यहाँ पर भाई मिलिट्री वाले फ्रैंकलिन के ऊपर भी एम करके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ऊपर ही एम हो। तो भी जल्दी से हमें बस चल के गाड़ी में बैठने हैं एक बारी।
तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको गाड़ी में बैठने के लिए बोल दिया, वो भी बैक सीट पर, क्योंकि अगर आगे वाली सीट पर ये बैठेगा तो हो सकता है भाग जाए। और पहले इसलिए बैठने के लिए मैंने इसे बोला कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पहले गाड़ी में बैठ जाए और उसके बाद ये पीछे से निकल लें और मिलिट्री वाले हमें धर लें। तो अभी जल्दी से इसी सीट पर बैठ जाए, बस बस और आगे नहीं जाना अभी ना गाइस। फटाफट सबसे पहले तो वाले मैं शीशे तोड़ देता हूँ ताकि अगर ये कोई भी चालाकी करने की कोशिश करे ना तो सीधा एकदम इसके मत्थे पे गोली बचे। तो चलो भाई अभी यहाँ पर पूरे पूरे शीशे तोड़ दिए हैं, फटाफट फ्रैंकलिन एम रख इसके ऊपर, पूरा का पूरा एम रख और जल्दी से भी गाड़ी में बैठ, शीशे तोड़ दे पीछे वाले ताकि अगर ये मिलिट्री वाले भी फायर करे ना तो सीधा इसके गोली पड़े। तो जल्दी से भी गाड़ी में बैठ और अब गाइस हमें फटाफट यहाँ से निकलना है, एम पूरा का पूरा रहना चाहिए इसके ऊपर। फटाफट से गाड़ी घुमाओ यहाँ पर, जल्दी 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 एम गाइस इसके ऊपर ना मेरे को एकदम प्रॉपर रखना है। फटाफट से मैं आपको यहाँ पर घुमा कर दिखाता हूँ, ये देखो एम इसके ऊपर रहेगा चाहे ये कुछ भी हो जाए, फ्रैंकलिन सीधा इसके मत्थे पे एम रहना चाहिए वरना मिलिट्री वाले हमें धर लेंगे। बाकी यार पीछे की तरफ में तो बहुत ज्यादा शोर था और फिलहाल आगे तरफ में एक जेट जा रहा है और गाइस यही मौका है जल्दी से बाहर निकलने का। मिलिट्री वाले सारे हमसे डर गए हैं कि भाई ये क्या बंदे, ये कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा ही वो लोग इस टाइम पर सोच रहे होंगे। बट कहीं ऐसे ना हो कि ये उनका प्लान में से कोई एक हिस्सा हो और आगे जाकर वो हमें मार दें। तो भी गाइस सबसे पहले ना जल्दी से मैं मिलिट्री वेस से बाहर निकलता हूँ और फटाफट से ना गाइस अभी लेस्टर कॉल लगाता हूँ कि क्या सीन है। अब लास्ट टाइम तो लेस्टर ट्रक लेके पीछे खड़ा हुआ था बट लेस्टर फिर यहाँ से भाग गया था क्योंकि उसको मालूम था यहाँ पर बहुत खतरा है। और बाकी यहाँ पर ये देखो मिलिट्री वाला, नहीं 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 मैं बेमतलब पंगे नहीं लेना चाहता, मैं किसी भी मिलिट्री ऑफिसर को, ये देख लो। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ये जो मिलिट्री ऑफिसर है ये कुछ ज्यादा ही चौड़ा, निकल यहाँ से, अभी डराया है बेटा मारा नहीं है, वैसे भी वो डरा हुआ है। देखो जो चाहता ना फायर कर देता बट उसने मेरे ऊपर फायर इसीलिए नहीं करा क्योंकि उसका मेन जो है मिलिट्री हेडक्वार्टर का बंदा अपने साथ बैठा हुआ है। तो भी गाइस जल्दी से नहीं जो गाड़ियों में से लेकर यहाँ से निकलता हूँ भाई, जितने भी यहाँ पर पुलिस वालों की जितनी भी गाड़ियाँ हैं भाई सारी की सारी रोड पर खड़ी हुई हैं ताकि मैं इसे ना ले जा पाऊँ। मेन तो ये हमें सारे के सारे रोकने के लिए खड़े थे बट अभी ना फिलहाल अपनी गाड़ी में इनका बंदा है तो ये लोग कुछ भी नहीं कहने वाले। तो भी जल्दी से मैं यहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर निकलता हूँ और फटाफट से ना गाइस अभी लेस्टर को कॉल लगाते हैं। वैसे भी मैं ज़्यादा दूर तो नहीं आया हूँ और ये जगह थोड़ी बहुत सही लग रही है तो यहाँ पर ना पहले गाइस साइड में खड़े होते हैं, फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर छुपाते हैं, कोई मिलिट्री का बंदा देख तो नहीं रहा ना। वैसे मिलिट्री वाले ना इसे छुड़ाने की कोशिश जरूर करेंगे, इसको एकदम ध्यान रखियो। फटाफट से मैं लेस्टर कॉल लगा के पूछता हूँ क्या सीन है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस लेस्टर कह रहा है कि सबसे पहले तो तुम अपनी गाड़ी बदलो क्योंकि ये पुलिस वालों की गाड़ी है, इसके अंदर GPS हो सकता है, यानी कि हम लोग जहाँ पर भी जाएंगे ना तो वो लोग हमारी लोकेशन ट्रेस कर लेंगे। और ये बात तो बिल्कुल सही कही है लेस्टर ने। तो भी जल्दी से ना गाइस ये जो गाड़ी है इसको मैं यहीं पर साइड में फेंक देता हूँ और नीचे की तरफ में जो गाड़ी है ना उसको लेकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इस गाड़ी के ऊपर एक आध बॉम्ब भी लगा देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जल्दी से गाड़ी, अबे उसको गाड़ी से उतार, मर जाएगा वो। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर गाड़ी में एकदम बढ़िया तरीके से बॉम्ब प्लांट कर दिया और साथ के साथ ये जो मिलिट्री हेडक्वार्टर का बंदा है इसको भी हमने उतार लिया है। बाकी यहाँ पर इसकी जो चोट वोट लगी थी ना लग रहा है ठीक हो गया, इसलिए थोड़ा बहुत सही से चल पा रहा है, वरना अभी तो लुढ़क लुढ़क के चल रहा था। तो गाइस अभी ना जल्दी से हम लोग नीचे चलते हैं, फ्रैंकलिन एम पूरा रखियो वरना बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी जल्दी से नीचे चलते हैं, यहाँ पर नीचे कुछ गाड़ियां खड़ी थी, मिलिट्री वाले बंदे भाई जान मुझके हमारा पीछा नहीं कर रहे। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लोग ना कुछ बहुत ही तगड़ी चाल चलने वाले हमारे साथ, बट अगर वो लोग मतलब कि आ रहे होते ना तो अभी तक आ जाते भाई, वो लोग इस टाइम पर डर चुके हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मिलिट्री हेडक्वार्टर के बंदे को भी हमने अपने साथ अपनी दूसरी गाड़ी में बैठा लिया है और जो ऊपर पुलिस वालों की गाड़ी है ना उसको ब्लास्ट कर देता। चलो भाई इसका खेल तो यहाँ पर खत्म हो गया, अभी फटाफट हम लोग ये वाली गाड़ी को लेकर निकल लेते हैं सीधा लेस्टर के पास। लेस्टर ने ना एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया है और वो जो जगह है ना गाइस यहाँ से दूर भी नहीं है, पास भी नहीं है, बट ये है कि हाँ भाई पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर निकलते हैं सीधा उस जगह पर और अपना ना मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई ना कोई मिलिट्री वालों का तो बंदा होगा जो कि हमारा पीछा कर रहा होगा अभी भी कि आखिरकार इस मिलिट्री हेडक्वार्टर के बंदे को हम लोग कहाँ पर लेकर जाने वाले हैं। तो भाई देखो अभी ना हम इसको जहाँ पर भी ले जाएंगे लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि अब हम लोग इसको बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने वाले हैं क्योंकि गाइस अभी ना हमें पता करना है कि आखिरकार अंडर वाटर माफिया है कहाँ पर। जहाँ पर हम लोग गए थे इधर अंडर वाटर माफिया नहीं है, अगर इधर होता तो हम लोग साथ में उसको छुड़ा कर भी निकलते बट अभी इधर तो नहीं है। अभी कोई ना कोई एक और जगह होगी जहाँ पर अंडर वाटर माफिया होगा। अभी ये बंदा अपने हाथ में आ गया है तो सीधी सी बात है समझ लो अंडर वाटर माफिया अभी हाथ में आ ही गया है। चलो कोई भाई ये हल्की सी टक्कर में गाड़ी की क्या हालत होगी। चलो कोई नहीं यार अभी जल्दी चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे लेस्टर ने बुलाया। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर उसी जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर मुझे लेस्टर ने मिलने के लिए बुलाया था। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को एकदम आराम से यहाँ पर राइट मोड़ते हैं। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो कितना ज्यादा बढ़िया सीन है, काफी ज्यादा सेफली हम लोग यहाँ तक भी पहुंच गए और पता नहीं लेस्टर ने इस जगह पर किस लिए बुलाया है। एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी को ना गाइस सबसे पहले तो ना छुपा कर यहीं पर पार्क कर देता हूँ, वैसे छुपाने की जगह नहीं है, यहीं पर उतरो। अभी फटाफट से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं, लेस्टर मेरे हिसाब से अभी अंदर ही होगा। बाकी तो अभी चलकर देखते हैं क्या सीन है, लेस्टर अंदर है या फिर नहीं है, मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ पर रिपेयर भी। ओके तो चलो यार अभी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर मिल गया, जल्दी लेस्टर से बात करते हैं। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है। लेस्टर कह रहा है कि इस बंदे को तो अभी बहुत ज्यादा ही कूटना है तो सबसे पहले ना ये वाली जो गाड़ी है इसको भी ब्लास्ट करो। अब यार देखो ये सब इसलिए इतना ज्यादा जरूरी है ताकि यार ये जितने भी मिलिट्री वाले हैं ना वो हम तक ना पहुंच पाए, तो जल्दी से ना गाइस इसको भी डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि उन्हें कोई भी सुराग ना मिले
मिले, आराम से भाई आराम से। अभी जल्दी से हमें इसके अंदर चलना है। ये शटर किस लिए लॉक हो गया भाई? अभी मेरे को उस साइड से जाकर इसे अनलॉक करना पड़ेगा। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं इस गैराज के अंदर आ चुका हूँ। दोनों के दोनों शटर खुल गए हैं। अभी जल्दी से गाइस ये वाली जो गाड़ी है ना, इसके अंदर बैठते हैं और फटाफट से गाइस हम चारों लोग यहाँ से निकल लेते हैं एक एक करके आराम आराम से। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल चारों लोग यहाँ पर गाड़ी में बैठ चुके हैं। बाकी तो आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो, ये जो अपनी गाड़ी है ना भाई, काफी ज्यादा बढ़िया है। और इसका जो पिकअप है ना गाइस, वो बहुत ज्यादा ओपी है। मतलब यार यहाँ पर आप लोग देखो कितनी जल्दी 200 किलोमीटर पर आर पहुंच गई। ये जो गाड़ी है ना गाइस, पहले भी लेसन में एक बार दी थी। इस गाड़ी का नाम है नाइट शॉक। और भाई क्या टक्कर पड़ी है उस बंदे को। खैर थोड़ी भी टक्कर टक्कर कम मारते हैं, सीधा चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर लेसन ने जाने के लिए बोला है। तो की गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते उसी जगह पर पहुंचने वाला हूं जहां पर मुझे लेस्टर ने जाने के लिए कहा था। और गाइस लेस्टर कह रहा है कि वो इधर ही अपना तीसरा सीक्रेट बेस भी बनाने वाला है, क्योंकि अभी जितनी भी लोकेशन थी ना, वो सारी की सारी यार मिलिट्री वालों को पता चल गई है। तो अभी ना थोड़ा वो छुप के काम करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर छोटा सा शॉर्टकट मारने के चक्कर में इन लोग का मैंने पूरा पूरा खेत खराब कर दिया। रियली सॉरी गाइस, रियली सॉरी। मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले एक काम करता हूं, अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर एकदम छुपा के पार्क कर देता हूं, ताकि पुलिस वुलिस वाले आकर देख ना पाए। वैसे जगह तो बढ़िया है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले मैंने अपना बेसबॉल बैट निकाल लिया। और जल्दी से इसे लेकर अंदर आ जाओ, एकदम बढ़िया तरीके से तुड़ाई करेंगे। सबसे पहले अपना एकदम ना हाथ वाथ खोल लूं, ताकि एकदम रख रख के इसके मारूं। इसको जिंदा नहीं मारना है, क्योंकि ये जिंदा मर गया तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा। अभी यही एक बंदा है जो कि हमें अंडर वाटर माफिया तक आराम से ले जा सकता है। तो गाइस यार देखो, ये ना मिलिट्री हेडक्वार्टर का बंदा है। मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत समझदार होगा, एक ही बार में बता देगा कि आखिरकार अंडर वाटर माफिया कहां पर है, क्योंकि अब ये कुछ नहीं कर सकता, ना ही यहां से बच के जा सकता है। लेकिन नहीं, इसको ये चीज एक बार में समझ ही नहीं आ रही है। अभी ना कस कस के से पड़ेंगे, अच्छे से तुड़ाई करवाएगा, उसके बाद ही मैं बताएगा। अब बेटा जल्दी जल्दी तेरे को बताना ही पड़ेगा। रख रख के मार इसके फ्रैंकलिन, मुंह तोड़ डाल इसका। बाकी देख लो यहां पर मेरे को मारने आ रहा फ्रैंकलिन, मार इसके, रुक जाओ। बाकी यहां पर मैं एक काम करता हूं, इसको ना अभी इससे मारूंगा, तो हो सकता है अगर इसके सर पे पड़ जाए तो ये मर सकता है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहां पर हम तीनों ने इसको मारना शुरू कर दिया। एक बारी मैं मार रहा हूं, एक बारी फ्रैंकलिन मार रहा है, एक बारी लेस्टर, तेरी बारी है मार। अबे भाई लेस्टर मार ही नहीं रहा अभी। ओ ये आई लेस्टर की बारी। चलो यार बहुत बढ़िया, लेस्टर कह रहे हैं इसे जिंदा मत मारना, बस वैसे हमें भी पता है बात। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल इस टाइम पर मैंने नाइट स्टिक निकाल लिया, जो कि पुलिस वाले अपने पास रखते हैं, और ये काफी तेज लगते हैं अगर इसे मारूं तो। अभी यहां पर देखना, एक तो पहले से लात दी, उठने मत दे फ्रैंकलिन, इसका मुंह तोड़ पहले, कुछ देर पहले से मारेंगे, फिर देखते हैं बताता या नहीं बताता। तो कि गाइस, अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन उस मिलिट्री हेडक्वार्टर के बंदे को कूटने में लगा हुआ है, ताकि वो हमें अंडर वाटर माफिया की लोकेशन बताए। बट यार वो कुछ भी नहीं बता रहा, इसीलिए लेस्टर ने हमें साइड में बुलाया। और लेस्टर कह रहा है कि एक फेक नंबर से मिलिट्री कर्नल को कॉल करो और उसको ये धमकी दो कि अगर तू हमें अंडर वाटर माफिया की लोकेशन नहीं बताएगा तो हम लोग इस मिलिट्री हेडक्वार्टर के बंदे को मार देंगे। और फेक नंबर इसलिए ताकि उसको ये भी ना पता चले कि ये काम लेस्टर फ्रैंकलिन माइकल ट्रेवर में से किसी का है। तो भी जल्दी से यहां पर इससे कॉल करते हैं। तो कि गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल मिलिट्री कर्नल से बात हो गई है, और वो कह रहा है तुम्हें जितने वेपन चाहिए वेपन ले लो, पैसे चाहिए पैसे ले लो, लेकिन इस मिलिट्री हेडक्वार्टर के बंदे को बिल्कुल मत मारना, ये उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यार देखो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अंडर वाटर माफिया चाहिए, जो कि वो कह रहा है कि बिग माफिया के भाई को मारने के बाद ही मिलेगा। मतलब कि उसने हमें भी यही बोला और फेक नंबर से कॉल करने पर भी यही बोला, यानी वो बिग माफिया के भाई को मारना ही चाहता है। अब खैर छोड़ो, इसी को टॉर्चर करते हैं दबा के, और उस चीज से पता करते हैं आखिरकार अंडर वाटर माफिया कहाँ पे है। तो कि गाइस, अभी ना फिलहाल लेस्टर ने पीछे आके थोड़ी सी आंख जला दिया है, और गाइस अब हम लोग इसे बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करने वाले हैं। भाई देख ले, पहले ही सब कुछ बता दे, वरना तेरा बुरा हाल होने वाला है। लेकिन गाइस ये जो बंदा है ना, बहुत ज्यादा जिद्दी है। ये कह रहा है कि तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन ये कुछ भी नहीं बताने वाला। मार दू मत्थे पे गोली, सही सही बता भी कि अभी मार दूंगा। ओ भाई एक सेकंड, इसके पास गन कहां से आई? भाई इसके पास गन कहां से? भाई ये क्या सीन है? इसकी भैंस के डंग, इसने तो खुद ही गोली निकाल के मार ली भाई अपने। ये तो यार अपने साथ बहुत तगड़ा स्कैम हो गया। तो गाइस अभी ना फिलहाल ये तो बहुत बड़ी गलती होगी यार। देखो मुझे नहीं मालूम था इसके पास पिस्टल है, वैसे यार इसके पास पिस्टल आई कहाँ से? और भाई इसने खुद ही को शूट कर लिया भाई, ये तो बहुत ज़्यादा गलत सीन हो चुका है। और यहाँ पर फ्रैंकलिन भी परेशान हो गया, लेस्टर भी परेशान हो गए। मतलब यार जो आखिरी बंदा था अंडर वाटर माफिया को बचाने के लिए, वो भी मारा जा चुका है। मतलब मारा जा चुका क्या है, उसने खुद ही को मार लिया। अब तो यार अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं है यार अंडर वाटर माफिया को बचाने का। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो उसे ढूंढो छुड़ा कर लाओ, और जहाँ ढूंढा था वहाँ वो मिला भी नहीं। बिग माफिया को मारने पे ही अब बस वो मिलने वाला है। तो कि गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है, और गाइस लेस्टर कह रहा है अभी कुछ नहीं कर सकते, तुम दोनों जल्दी से अपने कपड़े बदलो, लॉस सैंटोस के लिए वापस निकल लो और अपने अपने काम पे लग जाओ, ताकि वो जो मिलिट्री कर्नल है ना, उसको कहीं हमारे ऊपर शक ना हो जाए, क्योंकि उसको हमारे ऊपर शक हुआ तो फिर तो भाई बेमतलब के लेने के देने पड़ जाएंगे। और गाइस यार ये जो बंदा है ना भाई, इसकी बॉडी लेस्टर ठिकाने लगा देगा। अब बस मिलिट्री कर्नल को हमारे ऊपर शक ना हो, क्योंकि यार वहां पर अंडर वाटर माफिया तो था ही नहीं, तो सीधी सी बात है उसका शक हमारे ऊपर नहीं जाएगा। उस टाइम पर हम अभी भी सेफ हैं। बस अपने कपड़े यहाँ पर हम लोग अपने जो ऊपर की ड्रेस वो उतार देते हैं, नीचे अपनी ड्रेस हमने पहन रखी है, और फटाफट से गाड़ी लेकर हम लोग यहां से निकल लेते हैं।
तो ओके गाइस, अभी फिलहाल हम दोनों ने अपने अपने कपड़े बदल लिए हैं, तो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर मैं निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए। फ्रैंकलिन जल्दी से आके गाड़ी में बैठ। वैसे यार ये जो गाड़ी है ना, जल्दी से इसे बैक करता हूँ। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि इस गाड़ी का जो पिकअप है ना गाइस, सच्ची में बहुत ओपी है। हल्की सी पीछे करता हूँ भाई, फुल स्पीड में एकदम पीछे जाती है। तो भी जल्दी से इसे आगे लेकर चलते हो। एक तो ये बोर्ड इतना ज़्यादा मजबूत है ना, क्या बताऊँ। वैसे गाइस एक सेकंड, मैं काम करता हूँ, लॉस सैंटोस जाने से पहले ना मैं निकल लेता हूँ सीधा पलीटो के लिए, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि जो गाड़ी मैंने मिलिट्री कर्नल को गिफ्ट करी थी, जहाँ से मैं लेकर आया था, मैंने वो एक बुड्ढे अंकल से गाड़ी ली थी और यार उसके बदले उसने मुझे कहा था कि कोई और गाड़ी ला कर दे देना। तो यार ना ही हमने उसे पैसे दिए, ना ही उसके बदले कोई और गाड़ी दी। तो चलो यार अभी ना जल्दी से उसको लेकर चलते हैं अपने शोरूम में और जो गाड़ी उसे पसंद आएगी वो दे देंगे। वैसे यार इतना भी ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है, लेस्टर ने हमसे ऑलरेडी $500 मिलियन ले लिए हैं। तो चलो कोई नहीं, फिर भी उसे कोई ढंग की जो भी गाड़ी उसे अच्छी लगेगी दे देंगे। तो ओके गाइस, यार अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा पलीटो बे उस बुड्ढे अंकल जी के घर के पास। तो बस मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर लेफ्ट मोड़ना है और यहाँ पर लेफ्ट मोड़ने के लिए इतनी तगड़ी ड्रिफ्ट मारी है ना मैंने भाई, पूछो मत। तो चलो यार अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से अंदर लेकर चलता हूँ। वैसे मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत गली में आ गया हूँ। वैसे गली तो गलत है बट यहाँ से मेरे को रास्ता मिल गया। चलो यार बहुत सही, अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पर आगे लेकर चलता हूँ। और उस अंकल जी का घर कहाँ पर चला गया मेरे को याद नहीं आ रहा है, लास्ट टाइम मैंने यहीं कहीं पर तो देखा था। ओके ओके ओके, तो शायद से यही वाला घर है बट अभी अंकल जी नजर नहीं आ रहे, तो शायद से मुझे अंदर चलना पड़ेगा। बाकी पीछे से किसी के वेल्डिंग करने की आवाज आ रही है, तो एक बार मैं पीछे चलता हूँ। यहाँ पर दो लेडीज बैठी, ओ भाई साहब ये रे अंकल जी अपनी खिड़की को परमानेंट बंद कर रहे हैं। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल मैंने इनको अपने साथ चलने के लिए बोल दिया है, जल्दी से इन्हें अपने शोरूम में लेकर चलते हैं और वहां पर इनको जो भी गाड़ी पसंद आएगी ये अपना लेकर वापस से यहाँ पर आ जाएंगे। अब यार देखो मैं जाता लेकर आता तो इसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता, इसलिए भी जल्दी से ना यहाँ पर भैया गाड़ी में बैठो, इतना टाइम नहीं है, फटाफट से हमें जाना है लॉस सैंटोस और भी बहुत सारे काम है बैनी के साथ जो कि शोरूम के लिए हमें अपने करने हैं, तो फटाफट से वो काम भी निपटाएंगे। अभी फिलहाल गाड़ी का गेट बंद करो वरना गाड़ी का गेट ही टूट जाता। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी में मोड़ लिया है, अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते भगाते मैं निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए। वैसे यार एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गाड़ी हाईवे पर कितनी तेज चलती है और अगर बाय चांस किसी से टक्कर हो जाती है ना तो भाई उसका तो चूरा हो जाएगा। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर आ चुका हूँ सीधा हाईवे पर और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की स्पीड कितनी ज़्यादा है और अगर मैं किसी को टक्कर मारूंगा ना तो उस बंदे को ट्रक के भी दो गुना की पावर की टक्कर लगने वाली है। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि गाड़ी कितनी हैवी होगी। तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा लॉस सैंटोस और जो अपना शोरूम है ना भाई, यहाँ तक आने में मेरे को मुश्किल से एक घंटा भी नहीं लगा और इतनी जल्दी मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। तो चलो यार अभी ना फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर अंदर लेकर चलते हैं। वैसे यार सच्ची में जो गाड़ी है ना, ओ भाई साहब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है जो कि कभी कभार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जैसे कि आपने भी पीछे देखा। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर मैं अंदर लेकर चलता हूँ, इधर पार्क करते हैं, फटाफट से चलते हैं सीधा अपने शोरूम में। तो ओके गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर आ चुका हूँ अपने शोरूम में, तो फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर मैं अंदर लेकर चलता हूँ। बाकी अभी देखते हैं बैनी, ओ भाई साहब बैनी हमेशा की तरह आज भी मॉडिफिकेशन करने में लगा हुआ है। तो भी जल्दी से उससे पता करते हैं कि सबसे बेस्ट कार कौन सी है जो कि हमें इसको दे देनी चाहिए। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल ये जो अंकल जी हैं ये कह रहे हैं कि इनको लैम्बोर्गिनी उरुस चाहिए, लेकिन इनको पता ही नहीं है इस गाड़ी की कीमत, तो हमने इन्हें साफ साफ मना कर दिया। हम कह रहे हैं जो रॉयल्स रॉयस की कॉपी है ना ये लेनी है तो लो वरना भी मार के भगाए जाओगे। तो उसने कहा चलो ठीक है ये गाड़ी दे दो, अभी फटाफट से इनको वाली गाड़ी जो है फ्री में देते हैं और भेज देते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल वो जो अंकल है अपनी गाड़ी लेकर शोरूम से जा चुके हैं। बाकी यार अभी ना मैं बैनी से ये पता कर रहा हूँ कि इस मंथ हमने अपने शोरूम से कितना पैसा कमाया। तो गाइस यार बैनी कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ $10 मिलियन, क्योंकि यार ज्यादा गाड़ियां आई भी नहीं लिबर्टी सिटी से, क्योंकि जब हम गाड़ियां वहां से लाते हैं ना तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है वरना इतना ज्यादा नहीं होता। तो यार $10 मिलियन तो बहुत कम है, कम से कम $100 मिलियन पर मंथ आया तो मजा भी आ जाएगा। तो यार इतने से काम नहीं होने वाला, हमें अपने बिजनेस को अपने शोरूम को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे कि इतनी कम गाड़ियां हैं, सिर्फ और सिर्फ एसयूवी है और एक ही महंगी कार है वो है लैम्बोर्गिनी उरुस और यहाँ पर सस्ती सस्ती बाइकें हैं। तो भी ना गाइस काफी सारी हायाबुसा और जितनी भी बाइक्स है जितनी भी कार्स है तगड़ी सारी की सारी हमें अपने शोरूम में ला के रखनी है। तो भी गाइस जल्दी से मैं यहाँ से निकलता हूँ। बाकी यार ये जो गाड़ी है मैंने बैनी को बोल दिया इसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके वॉश कर दे ताकि हम लोग अगली बार आए तो पूरी पूरी बुलेट प्रूफ रहे, क्योंकि अभी हमें उस टाइप की गाड़ी की बहुत जरूरत है। तो अभी फिलहाल मैं अपनी उरुस लेकर जा रहा हूँ और ये जो गाड़ी है ना गाइस मैं अपने यूज के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी एसयूवी नहीं है। तो ये जो गाड़ी है गाइस मैंने परमानेंट ले लिया है और बाकी मेरे को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे अपने ही है सारे। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस लेकर अपने शोरूम से बाहर आ चुका हूँ और गाइस अभी अभी ना मेरे को बिग माफिया के भाई का कॉल आया था और गाइस वो कह रहा है कि जो मतलब मिलिट्री का है ना उसने उसको मारने के लिए किसी और माफिया के साथ डील कर लिया है। अब यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार बिग माफिया के भाई को ये कैसे पता चला कि हम लोग अंडर वाटर माफिया को बचाने के लिए उसको मारने का प्लान बना रहे हैं। अब यार देखो अच्छी बात तो ये है कि हमने ये जो डील है ना कैंसिल कर दी थी, जिस वजह से बिग माफिया के भाई को अब हमारे ऊपर कोई भी शक नहीं है और वो अभी भी हमारा दोस्त है। लेकिन अगर उसको ये बात पता चल जाती
कि हम ही उसको मारने के लिए आ रहे हैं, तो हो सकता है वो हमें पहले ही मरवा देता या फिर वो कुछ ना कुछ प्लान करता है, फिर दुश्मनी हो जाती हमसे, कुछ ना कुछ बेकार ही होता। बट अभी अच्छी बात तो यह कि हमने डील कैंसिल कर दी थी। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल बिग माफिया का भाई कह रहा है कि ये लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जब तक वो नॉर्थ एंगटन में है, चाहे कितना भी बड़ा माफिया आ जाए। लेकिन यार दिक्कत की बात यह है कि अगर वो जाते भी अटैक करने तो बिग माफिया का भाई तो बच जाएगा, लेकिन उसकी काफी ज्यादा सिक्योरिटी तो मारी जा सकती है। इसलिए वो कह रहा है कि अगर ये जो डील है तुम होने से पहले कैंसिल करवा दोगे ना तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा, और इसके बदले वो हमें ठीक ठाक पैसे भी देने वाला है। वैसे यार बात तो बिल्कुल सही है, इस टाइम पर दोस्त हमारा बिग माफिया का भाई है, लेकिन ये जो काम है हमें चुपचाप से करना है, मिलिट्री कर्नल को भी नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि अभी ना हमें दोनों को दोस्त बनाकर रखना है। तो भी जल्दी से ना सबसे पहले मैं निकलता हूँ सीधा लेस्टर के पास, उसको ये सारी की सारी बात बताते हैं और देखते हैं कि गाइस अभी हमें क्या करना चाहिए बिग माफिया के भाई की सिक्योरिटी को बचाने के लिए। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर उसी जगह पर पहुंचने वाला हूँ जहां पर लास्ट टाइम मैंने लेस्टर और मिलिट्री हेडक्वार्टर के बंदे को छोड़ा था। तो अभी ना फटाफट से मुझे अपनी गाड़ी को बस यहाँ से राइट मोड़ के इस वेयर हाउस के अंदर जाना है, और अभी ना गाइस फटाफट से मैं लेस्टर को पूरी की पूरी बात बता दूंगा कि बिग माफिया के भाई का कॉल आया था और वो हमें पैसे दे रहा है एक काम करने के लिए। तो अभी जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार लेस्टर ने अभी तक उस मिलिट्री हेडक्वार्टर के बंदे की बॉडी का ठिकाना लगाया या फिर नहीं लगाया। वैसे यार अभी तक ना हमने कपड़े बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। वैसे एक सेकेंड, ओके तो यहाँ पर एकदम खून वून जो भी गिरा था पूरा साफ कर दिया है। तो चलो यार लेस्टर कहाँ पर है, तो ये बैठा लेस्टर, जल्दी से लेस्टर से बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है अभी। तो कि गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है, और गाइस लेस्टर कह रहा है कि वो भी इसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा था कि आखिरकार मिलिट्री कर्नल किस माफिया से डील कर रहा है बिग माफिया के भाई को मारने के लिए। तो अभी ना लेस्टर को थोड़ा बहुत कुछ पता चल चुका है, बाकी लेस्टर कह रहा है कि वो 10-15 मिनट में बताता है कि हमें कैसे पता करना है कि कहाँ पर डील होने वाली है, तभी तो हम लोग वहाँ पर जाकर डील कैंसिल करेंगे। तो कि गाइस यार फाइनली लेस्टर ने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लिया और ये कह रहा है कि टाइम आ चुका है वॉर का। तो गाइस अभी ना जल्दी से हमें चलना है सीधा एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि वो जो माफिया ना जो डील करने के लिए आ रहा है मिलिट्री कर्नल के साथ वो दूसरी कंट्री का है, तो वो इस टाइम पर ना एयरपोर्ट पहुंचने वाला है। तो भी जल्दी से ना गाइस हम लोग निकल लेते हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए। और लेस्टर कह रहा है कि जैसे वो आएगा ना बीच रास्ते में उसको खत्म कर देना ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि इस बीच रास्ते में मिलिट्री उसके साथ नहीं रहेगी, वो अपनी सिक्योरिटी के साथ होगा तो हमें उतनी दिक्कत नहीं आने वाली। तो फ्रैंकलिन जल्दी से आके गाड़ी में बैठ, अभी फटाफट से गाइस मैं अपनी गाड़ी को यहां से घुमाता हूं और सीधा निकलते हैं लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट के लिए। वैसे लोकेशन तो लेस्टर ने एकदम परफेक्ट दिया है, बाकी यार अभी ना हमें एक चीज का ध्यान और रखना है, सबसे पहले अपने फेस में मास्क लगाना है, कपड़े बदल देने बिल्कुल, ताकि वो जो बंदे होंगे ना मिलिट्री वाले अगर मान लो बाय चांस मिल जाते हैं तो उनको हमारे ऊपर शक नहीं होना चाहिए। तो भी फटाफट से निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस एयरपोर्ट के लिए। बाकी तो यार आप लोग यहां पर देखो अपनी जो लैम्बोर्गिनी उरुस है ना भाई, इसकी स्पीड एकदम नेक्स्ट लेवल है यार सच्ची में। और बाकी साउंड तो मैंने आपको इसका ऑलरेडी टेस्ट करवा ही रखा है। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूं लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भी फटाफट से अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हूं और पीछे रास्ते में मैं बहुत तेज भगाता हुआ आया हूं, क्योंकि गाइस अभी ना मेरे पास यार बिल्कुल भी टाइम नहीं और तेरे गेट खोलने का मैं इंतजार नहीं कर रहा भाई। ये कभी गेट खोलते हैं कभी नहीं खोलते, इनका सीन ही अलग रहता है। और गाइस इस टाइम ना मेरे को बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, क्योंकि यार मेरे को उस माफिया का पीछा करना है, वो कभी भी आके जा सकता है, तो मुझे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। और आप लोग अगर नोटिस करोगे तो मैंने अपने कपड़े भी नहीं बदले, बस हम दोनों ने अपने फेस पर मास्क लगा लिया ताकि कोई भी हमें पहचान ना पाए। और फिलहाल सामने की तरफ में यहाँ पर कुछ प्लेन्स खड़े हुए हैं या फिर आप इन्हें कुछ अलग से जेट भी कह सकते हो, और इस टाइप के जेट तो यार मैं पहली बार देख रहा हूँ। एक सेकेंड, ये किसके हैं? मेरे को पता क्या लग रहा है कि गाइस ये ना उसी माफिया के जेट हैं। अभी जल्दी से अपनी गन बाहर निकाल लेता हूँ। नहीं नहीं यार गन बाहर निकालूंगा तो उसको हमारे ऊपर शक हो जाएगा। वैसे यार इसके अंदर तो कोई है ही नहीं, और ये कितने अजीब अजीब से प्लेन है छोटे छोटे से। एक सेकेंड यार यहाँ पर ये पीछे जो जेट है वो भाई ये कितना ज़्यादा खतरनाक सा लग रहा है देखने में। इसके अंदर वेपन्स भी लगे हुए हैं नीचे की तरफ, बाकी तो यार ये सारे के सारे खाली पड़े हैं। मेरे को पता क्या लग रहा है कि गाइस वो ना माफिया आ चुका है और आके जा चुका है। एक बार ये ना लेस्टर से मैं कॉल करके बात करता हूँ कि वो अभी तक आया है या फिर नहीं आया। अब यार देखो ये जो प्लेन है शायद से उसके हो सकते हैं, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। तो फ्रैंकलिन जल्दी से आगे गाड़ी में बैठ, भैया अभी कुछ नहीं पता क्या सीन हो गया यहाँ पर। अभी ना गाइस फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेस्टर से एक बार कॉल करके बात कर लेता हूँ, देखते हैं क्या सीन है, अगर लेस्टर बताएगा उसके हिसाब से चलेंगे। तो कि गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है। लेस्टर कह रहा है कि अभी तक वो आया नहीं है, लेकिन 15-20 मिनट में वो पहुंचने वाला है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बाकी एक बार ही ना आगे राउंड मार लेता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आ गया हो और लेस्टर के पास भी गलत इन्फॉर्मेशन हो। तो फिलहाल सामने की तरफ में तो ये तो दूसरे वाले प्लेन है, तो इसमें तो वो आने नहीं वाला भाई, इतना बड़ा माफिया है तो किसी तगड़े प्लेन में ही आएगा। तो भी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी लेकर आगे चलते हैं और फिलहाल यहाँ पर ना थोड़ी देर यहीं कहीं पर बैठ कर उसका वेट करते हैं आने का। यहाँ पर एक पार्किंग है, यहीं पर अपनी गाड़ी मैं सोच रहा हूँ पार्क कर दूँ। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से मैंने अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क कर दिया और अभी फटाफट से मैं एयरपोर्ट के ऊपर चलता हूँ और वहीं पर बैठ के हम लोग इसका वेट करेंगे, क्योंकि इस जगह से ना यार पूरा का पूरा एयरपोर्ट एकदम मस्त दिखने वाला है, वो भी पूरे के पूरे बढ़िया व्यू में। तो भी जल्दी से हम लोग ऊपर चलते हैं। बाकी सीढ़ियाँ उस तरफ भी थी, सीढ़ियाँ इस तरफ भी है, और मेरे पास ना गाइस अभी सारे के सारे वेपन्स भी हैं। अगर वो मेरे को दिखता है तो मैं
मैं ना उसको यहीं के यहीं उड़ा डालूंगा। वैसे यार इतनी भी जल्दी नहीं, आराम से कूटेंगे एकदम सुनसान जगह मिले जाके, क्योंकि अगर मैं इधर मारूंगा ना तो भाई थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो सकती है। तो पहले ना सबसे ऊपर वाली छत पर चलते हैं, क्योंकि वो वाली छत थोड़ी छोटी है, मतलब नीचे है वो, छोटी तो नहीं है। अब ये वाली छत है, ये एकदम टॉप फ्लोर है, तो यहाँ पर बैठ कर हम लोग आराम से उसका वेट करते हैं आने का। ये मैंने अपनी स्नाइपर निकाल दी, जैसे आएगा वैसे उसका मुंह तोड़ डालेंगे। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर वेट करते करते बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। लेस्ट ने कहा था वो जो माफिया 15 मिनट में आएगा, बट यार अभी पूरी के पूरे 2 घंटे बीत चुके हैं और इधर कोई भी माफिया वगैरह कुछ भी नहीं आया है। फिलहाल हर थोड़ी थोड़ी देर में ये जो नॉर्मल फ्लाइट है ये आती है, और इसके अंदर तो वो आने नहीं वाला। लेकिन सामने की तरफ में ना गाइस एक कार्गो प्लेन तो आया है, बट इस कार्गो प्लेन के अंदर ना कोई भी नहीं है। ये देखो, ये जो कार्गो प्लेन आके लैंड तो करेगा, बट अभी इससे भी कोई नहीं उतरा, और फिलहाल ये जो प्लेन है इसमें भी कोई नहीं आया। भाई पता नहीं क्या ही सीन है यहाँ पे। वैसे गाइस, जब मैंने उधर की तरफ में स्कोप दिखा था ना, तो मेरे को पीछे कुछ पुलिस वालों की गाड़ियां दिखी थी, और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये सारी की सारी गाड़ियां मेरे को उस माफिया की लग रही है। पता नहीं यार ये क्या कर रहा है। और यहाँ पर ये मिलिट्री वालों को टैंक भी है। भाई फ्रैंकलिन सबसे पहले तो चुप, यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत सीन हो चुका है। आप लोग को गाइस इस टाइम पर ना पुलिस वालों की गाड़ी के सायरन की आवाज आ रही होगी। एक काम करते हैं फ्रैंकलिन, इधर छुप के देखते हैं क्या सीन है। वैसे यार ये लोग ना धीरे धीरे कर इसी साइड पर आ रहे हैं, थोड़ा सा ना एक बार आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये लोग जाना कहाँ पर चाहते हैं। तो गाइस, वैसे जब मैंने पीछे की तरफ में स्कोप करा था, तो मेरे को ना वहां पर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही थी, जो कि अभी नहीं है। फिलहाल वहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है, ये कौन है? अभी फिलहाल शायद से ये यहीं कहीं का बंदा होगा, और ये बंदा है क्या है समझ नहीं आ रहा। बाकी यार वो जो गाड़ियां, ओके, तो गाइस वो जो सारी की सारी गाड़ियां ना वो पीछे से घूम के इधर से निकल कर आ गई है। अभी फटाफट से देखता हूँ आखिरकार ये गाड़ियां जा कहां पर रही है। और गाइस इस तरफ में एक टैंक है, जिस टैंक के ऊपर मिलिट्री वालों का एक बंदा बैठा हुआ है। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल देखते ही देखते ये जो गाड़ियां हैं काफी ज्यादा आगे आ चुकी है, और मेरे हिसाब से इनमें से किसी एक गाड़ी के अंदर माफिया भी बैठा हुआ है। अब यार देखो, लेस्टर ने तो बोला था कि यहीं के यहीं उसे मार देना, बट यार उसको मारना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यार यहां पर मिलिट्री वाले भी हैं साथ के साथ, और पीछे 2 गाड़ियां, मतलब कि 2 ट्रक पूरे मिलिट्री वालों से भरे हो सकते हैं, और बीच में जितनी गाड़ियां चल रही है उसके अंदर यार ये जो माफिया है उसकी भी सिक्योरिटी हो सकती है, तो उसकी गड़बड़ बहुत ज्यादा है। बाकी यार इनकी गाड़ी भी फिलहाल घूम के तो यहीं से आने वाली है, तो यार अभी तो इनसे पंगा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इनको मैं मारूंगा तो यार ये एयरपोर्ट पूरा लॉक कर देंगे, पुलिस वाले आ जाएंगे, सारे के सारे मिलिट्री वाले आ जाएंगे, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पहले इन लोग को यहां से निकलने देते हैं। और फ्रैंकलिन कहां पर है? फ्रैंकलिन को मैंने बोल दिया तू नीचे जा, अपनी उरस को बिल्कुल रेडी रखियो, जल्दी से आएंगे, अपनी गाड़ियों में बैठेंगे और इनका पीछा करने जो निकलना है। तो वैसे तो यार आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कि गाड़ी के ऊपर यहां पर इन्होंने मिलिट्री सोल्जर को भी खड़ा कर रखा है, मतलब यार इतनी तगड़ी ट्रेनिंग है कि वो चलती गाड़ी के ऊपर बैलेंस बनाकर आराम से कंफर्टेबली खड़ा हो रखा है। पीछे की जो 2 गाड़ियां हैं उसके अंदर भी बंदे भरे पड़े हैं, और साथ में ऊपर भी एक बंदा खड़ा हुआ है। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, फिलहाल मैं भागकर दूसरी साइड पर आ चुका हूं, इनकी गाड़ियां जो है ना यहां से सीधी गई है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो फ्रैंकलिन जल्दी से नीचे चल, हमें अपनी गाड़ी में बैठना है और अभी इनका पीछा करना है। बस इनका सायरन बजते रहेगा ना तो मुझे इनकी लोकेशन मालूम रहेगी, और अगर इन्होंने सायरन बंद करा तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अपनी लैम्बोर्गिनी उरस नीचे है, फ्रैंकलिन जल्दी से भाग, किया बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो चलो गाइस, फाइनली मैं भागते भागते सारी की सारी सीढ़ियां उतर चुका हूं। भाई जब चढ़े थे तो पता ही नहीं चला था, और उतरने में इतना ज्यादा टाइम लग गया भाई पूछो मत। तो अभी फिलहाल उनकी गाड़ी कहां चलेगी मेरे को नजर तो नहीं आ रही, बोरी बोरी सामने ही गई है। जल्दी जल्दी आ बैठ भाई फ्रैंकलिन, गाड़ी में बैठ फटाफट से। अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को फुल एकदम रेस में देकर रखूंगा, और बस आप लोग यहां पर देखते जाओ कि कितनी तेज मैं इसको लेकर जाने वाला हूं। और ये एक सेकंड, यहां पर गेट कैसे बंद हो गए? ओके ओके खुल गए खुल गए। भाई ये जब मैं आया था तो गेट नहीं बंद थे। तो चलो यार अभी फटाफट से, इनकी गाड़ी ज्यादा आगे नहीं गई है एक सेकंड। वैसे ये लोग ना बहुत स्लो स्लो जाने वाले हैं, क्योंकि इनके पास मिलिट्री वालों का टैंक है। फिलहाल सामने की तरफ में कुछ पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, तो इनसे थोड़ा सा मैं साइड ही निकल लेता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पर अंदर चलते हैं, जब इनकी गाड़ी यहाँ से चलेगी तो इनका पीछा करूंगा। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने इस जाली वाली विंडो से देख लिया है, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं अपने। लॉस सैंटोस में ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा लगता है, तो ये लोग अपनी गाड़ी ज्यादा तेज तेज नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इनकी जो गाड़ी सबसे आगे चल रही है वो राइनो टैंक है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। और यहाँ पर मेरी गाड़ी ठुक गई, चलो कोई नहीं यार, अभी गाड़ी वाड़ी को बाद में ध्यान रखना है। अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को मैं ऐसे सीधा लेकर चलता हूँ उनका पीछा करने के लिए। बाकी यार मेरे को ना उनका पीछा कुछ इस हिसाब से करना है कि उनको मेरे ऊपर शक भी नहीं होना चाहिए। और ये देखो, ये लोग अभी ज्यादा दूर नहीं गए, यहाँ से धीरे धीरे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लो स्लो जा रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ब्लॉक करके रास्ता इनको मार दूँ। अभी ना गाइस फटाफट से लेस्टर को कॉल करता हूँ, और उससे बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए। इनको रोड के बीच में ही मारना चाहिए, या फिर जहाँ पर इनकी डील है वहाँ पर चल के इन्हें मारना चाहिए? क्योंकि यार देखो, रोड के बीच में मारेंगे तो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर आ सकती है, लेकिन जहाँ पर इनकी डील है वहाँ पर तो शायद से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। चलो कोई नहीं, लेस्टर ही बताएगा कुछ। तो कि गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है, और गाइस लेस्टर कह रहा है कि तुम लोग इनका पीछा मत करो, मतलब कि पीछा इस तरीके से करो कि इनको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग इनका पीछा कर रहे हैं। तो लेस्टर कह रहा है हो सके ना तो अपनी गाड़ी को रोड पर मत
मत चलाओ, साइड साइड में पतली पतली गलियों से चलाओ। तो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे को लेस्टर की बात तो फॉलो करनी पड़ेगी, तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को ना मैं थोड़ा सा अलग रास्ते पे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर अगर साइड साइड से इनका पीछा करेंगे ना, तो वैसे पीछा करना ही क्यों है, मैं इनके आगे आगे चलता हूँ, ये लोग मेरा पीछा करेंगे अब। तो जल्दी से अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर मैं साइड से लेकर निकल लेता हूँ और अब ना आगे आगे हर कट पर खड़े होकर देखूंगा ये लोग कहाँ से आते हैं और किधर को मुड़ते हैं। तो जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं इधर मोड़ता हूँ और फटाफट से इस पतली वाली गली के अंदर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर अगर ऐसे पीछा करूंगा ना तो इनको मेरे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होने वाला। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर गाइस मैंने छुपा के खड़ा कर दिया है और ये लोग को देखते हैं अब कहाँ पर जाते हैं। वैसे ये देखो अभी मैं पता करता हूँ आखिरकार कितने एनिमी है, और अगर माफिया की गाड़ी मेरे को पता चलती है कि किसके अंदर वो बैठा है तो सीधा उसको यहीं खत्म कर देंगे। फिलहाल दो गाड़ी जा चुकी है और सब में ब्लैक विंडो है, शिट यार कुछ भी नहीं दिखने वाला अंदर का। अब अंदर हो चाहे ना हो कुछ नहीं पता, क्योंकि सारी एकदम ब्लैक और बुलेट प्रूफ विंडो है, तो कोई भी फायदा नहीं है। और अभी फिलहाल यहाँ पर ये देखो भाई, ये अलग ही बंदा है, ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है पूरा एकदम गन वन लेके, उसके पीछे वाला भी ऐसी ही है। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल ये लोग अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चला रहे थे, लेकिन अभी आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो वो जो टैंक है ना कितनी तेज जा रहा है, उसके पीछे की जितनी भी गाड़ियां हैं ये लोग भी बहुत तेज तेज चला रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रेड लाइट होगी, लेकिन ये लोग इस टाइम पर ट्रैफिक रूल भी पूरा का पूरा तोड़ रहे हैं, तो चलो कोई नहीं। फिलहाल ये वाली गाड़ी गाइस मेरे को पता नहीं क्यों माफिया की लग रही है, इसके अंदर काफी खतरनाक हॉर्न लगा हुआ है जिसमें एकदम लिबर्टी सिटी लूप बज रहा है। तो ये जो गाड़ी है ना गाइस यहाँ पर उसकी माफिया की हो सकती है, बट यहाँ पर सारी की सारी गाड़ियां एक जैसे, तुम कंफ्यूज तो जाओगे भाई कौन सी गाड़ी में माफिया बैठा है। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं इनका पीछा करते करते बहुत ज़्यादा आगे आ गया हूँ और यहाँ पर ना ये लोग सीधे जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ बैरियर्स भी लगे हुए हैं, लेकिन इनको वो लोग कुछ नहीं कहेंगे शायद से ना गाइस, यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी लगा रखी है। अभी ना गाइस यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ तो ऊपर चली गई है, अब वो जो गाड़ियाँ काफ़ी फास्ट है इसलिए तुरंत चली गई, बट ये जो टैंक है काफ़ी ज़्यादा हैवी है, पहले इनको जाने दो फिर इनके बाद हम चलेंगे। अभी रुक जा भाई, फ्रैंकलिन को ज़्यादा जल्दी मच रही है, वो कह रहा अभी इन्हीं के साथ साथ चल ले भाई, यहाँ पर तो कोई नॉर्मल गाड़ी मेरे हिसाब से अलाउड ही नहीं है, इसलिए इनको मेरे ऊपर शक ना हो। तो ये लोग को पहले आराम से जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे, वो भी इस रास्ते से नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ एकदम अलग रास्ते से जाऊँ, बट यार अभी रास्ता यही है तो मुझे यहीं से जाना पड़ेगा। तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर लेकर चलता हूँ। वैसे यार अगर ये लोग यहाँ से चले भी जाएंगे ना तब भी मैं इनको फॉलो कर लूँगा, क्योंकि ये लोग ना अपने टायर के निशान यहाँ पर छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो मेरे को वैसे मतलब इतनी मुश्किल नहीं आएगी। वैसे ये लोग कितना आगे चले गए भाई, अभी तक तो इतने धीरे धीरे चल रहे थे लेकिन झटके से इन्होंने भी स्पीड पकड़ ली। वैसे ओके, तो यहाँ पर इनकी सारी की सारी गाड़ियाँ रुक चुकी है मेरे हिसाब से गाइस, अब मेरे को आगे नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर ना मेरे को लग रहा है कुछ चेकिंग वगैरह चल रही है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ ना अब एक एक करके आगे जा रही है। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा सा नहीं यार, अगर मैं आगे ले जाऊँगा तो ये लोग अब आराम से देख लेंगे। तो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे हिसाब से मेरे को अब आगे जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो इनकी सारी की सारी गाड़ियाँ वो जो ब्रिज टाइप है, तो गाइस ये ब्रिज नहीं है ये एक डैम है, और यहाँ पर सारी की सारी गाड़ियाँ पार कर चुके हैं, यहाँ तक कि वो जो दो टैंक भी थे ना वो भी यहाँ पर पार कर चुके हैं। लेकिन गाइस वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रही है, ऐसा लेस्टर ने भी मेरे को कॉल करके बता दिया है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल टाइम आ चुका है अंदर जाने का, मेरे हिसाब से यहाँ पर 5-6 सोल्जर्स होंगे, इन लोग को मार के फटाफट से हम लोग निकलेंगे सीधा अंदर के लिए। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हो ऊपर की तरफ में भी 2 सोल्जर्स हैं, और गेट पे कितने, मेन तो गेट है, फिलहाल गेट पर 1, 2, 3, 4, 5 भाई 6 मैं टोटल समझ रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गेट पे ही 6 सोल्जर्स हैं, और बाकी यार पीछे की तरफ में और भी काफ़ी सारे खड़े हुए हैं। एक काम करता हूँ थोड़ा सा आगे चलता हूँ, यहाँ पर एक नदी है इसमें डुबकी मार के सीधा उस पार चले जाता हूँ। वैसे यार उस पार रोड तो है, बट अगर इन्होंने बीच रास्ते में देख लिया और अगर हम पानी के अंदर हुए तो फिर यार मरना कन्फर्म है, क्योंकि पानी के अंदर हम लोग गोलियाँ भी नहीं चला पाएंगे, पिस्टल चलेगी कोई फ़ायदा है नहीं। तो अभी ना गाइस फटाफट आगे, ये रास्ता तो यार कहीं और ही जा रहा है। अभी गाइस हमें पानी के उस साइड जाना है, वैसे यार अगर मैं हेलीकॉप्टर वगैरह लाता तो काम बन जाता, बाकी यार उनकी गाड़ियाँ मेरे को नजर नहीं आ रही है, थोड़ा सा ना वो आगे जा चुकी होंगी यार, वो लोग ना ज़्यादा आगे निकल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी ना गाइस कुछ ना कुछ करके मेरे को जल्दी से अंदर जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता मेरे को ढूंढना पड़ेगा। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को, एक सेकंड गाइस मेरे को एक मस्त रास्ता दिखा, बट यार ऊपर की तरफ में जो सोल्जर्स हैं ना ये लोग मेरे को देख ना ले, और वैसे भी अपनी गाड़ी को मैं इधर घुमाए जा रहा हूँ, ये लोग मेरे पे शक ना करें। और तू क्या कर रहा है भाई, कहाँ से आके गिर गया? अभी गाइस एक सेकंड, अपने पहले तो यहाँ पर छुपता हूँ। तो गाइस आपको ना गाइस मैं एक मस्त चीज दिखाता हूँ। तो गाइस देखो बिना फिलहाल मेरे को रोड के उस पार जाने का एकदम मस्त रास्ता मिल गया, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत रिस्क है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर 2 सीढ़ी देख पा रहे हो, एक सीढ़ी इस साइड है एक सीढ़ी उस साइड है, तो हम लोग इस सीढ़ी पे जाएंगे, उसके बाद वहां से उस वाली सीढ़ी का रास्ता मेरे हिसाब से होगा ही होगा। तो अभी ना गाइस हमें कुछ भी करके वहां पर पहुंचना है, लेकिन यार वहां पर ना 5-6 सोल्जर्स हैं जो कि अपना राउंड लगाए जा रहे हैं। लेकिन यार फ्रैंकलिन देख भाई इतना तो करना पड़ेगा, फटाफट से अपनी गन बाहर निकाल ले, और अपने पास आर्मर भी नहीं है तो फाइट काफी ज्यादा पेशेंस से बहुत सोच समझ के लेनी पड़ेगी। अपनी लैम्बोर्गिनी और उसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, अभी ना एकदम आराम आराम से आगे चलना पड़ेगा, गन अंदर रख ले, अगर इन्होंने देख ली तो गड़बड़ हो सकती है।
तो कि गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन भी चलने के लिए रेडी हो गया है, तो इस टाइम पर हमें एकदम चुपचाप जाना है। और वहां की तरफ में आप लोग देख पा रहे हो एक मिलिट्री सोल्जर्स गलती से जाके पानी में गिर गया। ओ भाई, ये तो अपने लिए काफी ज्यादा बढ़िया लक की बात है। और गाइस अभी मैं भी जाकर गिर जाता और यहाँ पर जो बाकी मिलिट्री सोल्जर्स है ना, शायद से उसको बचाने के लिए आएंगे। फ्रैंकलिन 2 मिनट रुक जा, मेरे हिसाब से किसी ने भी उसको देखा नहीं। अब पता नहीं उसने पानी में जानबूझ के जंप लगाई या फिर वो जाके गिरा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बट ये जो भी सीन है ना, अपने लिए लकी कह सकते हो या फिर काफी ज्यादा बढ़िया कह सकते हो। मतलब कि वो जो मिलिट्री सोल्जर था ना, ऊपर से उसका पैर फिसला और वो सीधा पानी में चला गया, और बाकी मेरे को उसकी बॉडी भी नजर नहीं आ रही, कहीं वो दोबारा ऊपर आने की कोशिश ना करे। और गाइस यही है एकदम मस्त रास्ता जहां से हम लोग आगे जाने वाले हैं। अभी गाइस फटाफट से मेरे को अपनी गन बाहर निकालनी है। सामने की तरफ में वो जो भाई उस तरफ में तो दो दो सोल्जर और हैं, तो यहां पर गाइस अभी इनसे काफी बच के रहना पड़ेगा। तो चलो गाइस यार यही टाइम है करके दिखाने का। सामने की तरफ में ये जो सोल्जर है ना, इसको यार गन से नहीं मारूंगा, अपने पास कोई साइलेंट वेपन है क्या खतरनाक सा, ये सही रहेगा। और यार यहां पर ऊपर से एक और आ गया, एक मिनट रुक जाओ। अब इसकी भैंस के रंग, ये लोग हमारे ऊपर शक करने वाले थे। अब यहां पर सही टाइम पर मैंने इसे डाउन कर दिया। पीछे की तरफ में भी एक बंदा, और गाइस यहां पर तो एक के बाद एक बंदे आए जा रहे हैं। अच्छा हुआ कि इसके पास गन नहीं थी। बट यार ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है यार। एक सेकंड, इनके आर्मर बहुत ज्यादा तगड़े हैं। फ्रैंकलिन भर दे इनका, आज भूत बना दे इनका, वरना हम सारे के सारे मारे जाने वाले हैं। फटाफट से रीलोड कर भाई, ये काफी पावरफुल है। ये देखो एक दो गोली में इनको कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी गाइस मेरे को बच के रहना पड़ेगा, और इस जगह पे तो बहुत तगड़ी फाइट होगी। फ्रैंकलिन पीछे के बंदे तू देख, इधर के बंदे मैं देखता हूं भाई। एक के बाद एक बहुत सारे बंदे यहां पर आए जा रहे हैं। अभी इन सबको छोड़, अभी सीधा जो अपना टास्क है ना उसको कर। अभी यहां पर हमें जाना ही नहीं है, तो भी मतलब किधर फाइट लेते ही नहीं है। अभी गाइस जल्दी से ना हमें इस रास्ते पर जाना है, और ये जगह काफी ज्यादा बढ़िया है। तो भाई ये बंदे में कितनी जान थी भाई साहब, इतनी सारी गोलियां खड़े खड़े खा गया। और नीचे की तरफ में भी काफी सारे बंदे हैं। फ्रैंकलिन जल्दी आ भाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक के बाद एक बंदे यहां पर आए जा रहे हैं। फटाफट से इसके एकदम मत्थे पे बजाऊंगा भाई, इनके हेडशॉट मारना पड़ेगा। इनका हेलमेट फिर भी कमजोर है, लेकिन जो इनकी वेस्ट है ना भाई, वो बहुत ज्यादा हेल्थी है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर जैसे तैसे करके इतने सारे बंदों को तो मार दिया। बट ऊपर की तरफ से ना भी एक के बाद एक बहुत सारे बंदे और आए जा रहे हैं। फ्रैंकलिन अभी इनको छोड़ भाई, अभी सीधा यहाँ से निकल ले, वरना यार ये लोग खत्म नहीं होने वाले। और इस टाइम पर ना गाइस यहाँ पर जितनी भी मिलिट्री है वो आने वाले, जो मैं नहीं चाहता था गाइस, अभी ना सेम टू सेम वही होने वाला है। फिलहाल मेरे हिसाब से मरा नहीं है, पीछे से भी आ गया मार इसको। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बजा दे गोलियां भाई जितनी भी है सारी बजा। अभी फिलहाल यहाँ पर ये सारे मारे जा चुके। ओ भाई ऊपर की तरफ में भी बंदे चढ़ चढ़ के बैठे हुए हैं भाई, कितनी गोलियां इनके मारनी पड़ रही है। तो गाइस अभी ना फिलहाल बहुत गलत सीन हो चुका है। सामने की तरफ में बंदा आके बैठा हुआ है, जो कि अपने आप को ज्यादा ही समझदार बन रहा है। पीछे से आ रहा है, आगे आके छुप जा रहा है। फ्रैंकलिन यहाँ से निकल, आगे से जाएंगे तो भाई बहुत ही बुरी तरह मरने वाले हैं, क्योंकि वो जितने भी बंदे ना छतों पर चढ़कर बैठे हुए हैं। तेरी भैंस की, निकल यहाँ से। अभी फिलहाल एक को तो मारने मारा, इसकी भी पड़ेगी मुंह पर, तेरी भैंस की, निकल है। ओ भाई एक सेकंड वहां पर पीछे भी बंदों में अभी भी जान बचे, निकल यहाँ से। देसी कट्टे से नहीं बचने वाला तेरा हेलमेट, चाहे लेवल 1 का चाहे लेवल 5। तो चलो अभी फिलहाल यहां पर इसके एक देसी कट्टा बजा दिया। लेकिन यार ये देखो, ये मर गया, जिंदा है, ये तो जिंदा है। और वो ऊपर जा रहा है, निकल यहां से, नीचे उतर। ओ भाई इसको तो मैंने मारा है, ये नीचे आके गिरा। और तो भाई ये बच गया, एक मिनट ये नीचे आके गिरा। 3 2 1 निकल यहां से। तो चलो यार अभी फिलहाल इसके भी हेडशॉट बजा दिया। ओ भाई देसी कट्टे के भी हेडशॉट में नहीं मर रहा, एक और खा। अब दोबारा नहीं उठेगा, एक और खा भाई। पीछे से भी बंदे मार रहे हैं भाई साहब, बंदे तो सारे के सारे काफी मजबूत है। और यहां पर ओ भाई ऊपर भी काफी सारे बंदे आ गए पहाड़ पे चढ़ चढ़ के। एक सेकंड यार, अभी अपनी स्नाइपर ही काम आने वाली। आओ बेटा नीचे आओ, यहां पर गया लुढ़कता हुआ, निकल यहां से, पड़ाना पेट पे रख के। ये भी आ रहा है गिरता हुआ, और तू भी निकल यहां से। तो चलो अभी फिलहाल इनके रख रख के तो बजा दिया है। लेकिन गाइस अभी भी काफी सारे बंदे यहां पर बचे हुए हैं, जो कि सामने वाली छत पे ही चढ़कर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर कवर लो। लेकिन गाइस अगर हम इतना टाइम लगाएंगे ना यहां पर फाइट करने में, तो वो जो डील है यार, वो अपनी डील करके भाग भी जाएंगे। तो जल्दी से ना इनको खत्म करके हमें यहां से निकलना पड़ेगा। तो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे हिसाब से जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। लेकिन ये जो सामने वाला बंदा है ना भाई, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इसने कौन सा आर्मर पहन रखा है भाई। कितनी भी तेज इसके मैं मारूं, लेकिन इसे कुछ हो ही नहीं रहा। ये देखो भाई, पता नहीं कौन सा आर्मर पहन रखा है, मेरे को तो ये इंसान नहीं रोबोट लग रहा है। और गाइस फ्रैंकलिन के, अच्छा ये फ्रैंकलिन का नहीं है भाई, फ्रैंकलिन के किसी ने गोलियां बजाई है मेरे को ऐसा लग रहा है। बट अच्छा हुआ कि उसके ज्यादा गोलियां नहीं पड़ी, वो किसी और का खून उसकी बॉडी पे लगा हुआ है। तो गाइस अभी ना मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडिया है बंदे को मारने का। और यहां पर आगे की तरफ ये बंदे और तीरी भैंस की, निकल यहां से। अभी फिलहाल यहां पर इसके तो बजा दी, एक और रख रख के पड़ेगी इसके। तो चलो अभी फिलहाल यहां पर इसको मैंने मार दिया। उठ रहा है दोबारा मत उठियो बेटा, बहुत बुरी तरह मारूंगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर इन सबको मार दिया, अभी फटाफट से ऊपर चलता हूं। गाइस यहां पर ऊपर इसने डस्टबिन रखा हुआ है, ताकि कोई भी चढ़ के ना आ पाए। चलो कोई नहीं यार, मैं अब ऊपर नहीं जा पाऊंगा, यहां पर इसने डस्टबिन अड़ा रखा है ताकि कोई भी ऊपर ना आ पाए भाई। ये बड़ा गलत सीन है, अभी सबसे पहले नीचे चलो। लेकिन ये कितनी देर तक मेरे से भिड़ने वाला है यहां पर? गाइस मेरे पास ना टीयर गैस है, ये फेंकूंगा ना तो इसकी स्मेल से ये मरने वाला है। तो चलो अभी फिलहाल यहां पर ऊपर मैंने ये फेंक दिया, एक और फेंक दो भाई, अब इसकी रेल बनेगी। तो गाइस देखो, जैसे यहां पर मैंने वो गैस फेंकी है ना, डर के मारे वहां से भाग आया, लेकिन गैस तो नीचे गई थी, ये पहले ही डर गया। चलो कोई नहीं, यहां पर ना एक बॉम्ब मैं ढंग से फेंकता हूं, ताकि इसके ना गैस एकदम बढ़िया से लग जाए। बाकी यार फ्रैंकलिन अपने पास इतना टाइम नहीं है, और वो अभी भी पिस्टल फायर कर रहा है। इसकी भैंस की रंग, कोई और रास्ता नहीं है
के ऊपर जाने का, सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ इसे मार के आ जाऊँ, लेकिन गाइस यहाँ पर जितने बंदे थे ना ऑलमोस्ट मैंने सबको मार दिया। बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। फ्रैंकलिन जल्दी गाड़ी में बैठ, जल्दी से बैठ, अभी वो लोग निकल ना जाए। अभी फटाफट से अपनी मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन भी अपनी गाड़ी में आकर बैठ चुका है। इस गाड़ी का ना सायरन बंद कर दो। और मेरे हिसाब से सामने वाले जो बंदे हैं ना, मतलब जो गाड़ियाँ यहाँ से गई है, बस उनको ये वाली जो बात है वो पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको पता चल जाएगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अभी फिलहाल इस गाड़ी को ना एकदम आराम आराम से मैं आगे लेकर चलता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि उनको भी पता चला होगा, क्योंकि अभी 10 मिनट ही हुआ है और यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना सबको मैंने मार दिया है। तो धीरे धीरे अपनी गाड़ी आगे लेकर तो मैं आ चुका हूँ, और सामने की तरफ में आप लोग देख पा रहे हो वो खड़ी सारी की सारी गाड़ियाँ। और गाइस फाइनली हम लोग उस लोकेशन को ढूंढ चुके हैं जहाँ पर ये डील चलने वाली है। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ। और अगर गाइस मैं रोड से जाऊँगा ना तो शायद से ये लोग मेरे को देख लेंगे। वैसे देख तो यहाँ से भी लेंगे, बट इधर ध्यान कम जाएगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे पत्थर वत्थर हैं और बीच में पानी भी है। तो बिना गाइस जल्दी से मैं इनके पास चलने की कोशिश करता हूँ। और वैसे भी मैं पुलिस वालों की गाड़ी में हूँ तो शायद से ये लोग मेरे ऊपर ज़्यादा शक नहीं करेंगे, बट अगर देख लिया तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और ये मैं अपनी गाड़ी को लेकर कहाँ पर आकर, नहीं 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 प्लीज़ बाहर निकल जा, प्लीज़ निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल सकते हैं, निकल सकते हैं। चलो गाइस अभी फिलहाल मेरी गाड़ी यहाँ पर बाहर तो निकल गई लेकिन बंद पड़ गई है। निकल जा प्लीज़, स्टार्ट ही नहीं हो रही भाई, ये क्या सीन हो गया यार, शिट अपने साथ ही ऐसा क्यों होता। उतरो भाई, यहाँ पर एक गाड़ी तो फेल हो गई। अभी फटाफट से एकदम चुपचाप आगे चलते हैं। अभी वेपन्स वगैरह बाहर नहीं निकालने, फ्रैंकलिन अपने वेपन अंदर ही रख। और यहाँ पर मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है, चुपचाप से आगे चलना पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा गलत सीन है आगे। अभी फटाफट से गाइस मैं तो यहाँ पर आ चुका हूँ, फ्रैंकलिन के आने का वेट करता हूँ। फ्रैंकलिन वेपन बाहर निकाल लियो एकदम टाइम पे, अभी नहीं एकदम टाइम पे। और इन गाड़ियों में जितने भी बंदे थे ना सारे के सारे जा चुके हैं या फिर अभी भी बैठे हैं, एक बार देख लेता हूँ। गाड़ी तो पूरी ऑन पड़ी है लेकिन इन गाड़ियों में कोई भी बंदा नहीं है, तो थोड़ा सा और आगे एक बार मैं चल कर देखता हूँ। बाकी मेरे पास स्टिकी बॉम्ब, ओके तो मेरे पास स्टिकी बॉम्ब भी है। टाइम पर काम की चीज़ जब होती है ना तो काफ़ी ज़्यादा खुशी रहती है। फिलहाल सामने की तरफ में काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स तो हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मेरे को सामने की तरफ में काफ़ी सारे सोल्जर्स खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और गाइस अब आगे जाना थोड़ा बहुत मुश्किल साबित हो सकता है क्योंकि वो लोग ना सामने की तरफ में घूर घूर के देख रहे हैं, लेकिन यार अभी कोशिश तो करनी पड़ेगी। और यार देखो सीधी सी बात है, इस माफिया डील को मुझे कैंसिल करवाना है तो करवाना है, तो ये चीज़ ठान के बस मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। और जितना आगे मैं छुप छुप के जा सकता हूँ ना उतना बढ़िया है, उसके बाद मैं इनके ऊपर अटैक करूंगा। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं भागता भागता काफी ज्यादा आगे आ गया हूँ। मेरे हिसाब से इन लोगों ने शायद से फ्रैंकलिन को देख लिया है। फ्रैंकलिन गोलियां कम चला, सीधा मत्थे पे मार, वरना ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई साहब। यहाँ पर जो चीज मैं नहीं चाहता था और वही होगी, भी फटाफट से रिलोड कर भाई, दबा के ये लोग गोलियां मार रहे हैं, वो तो अच्छी बात है कि ये बुलेट प्रूफ कार है। और यहाँ पर जो गैंग है ना, उस गैंग के बंदे भी यहाँ पर आना शुरू कर दिए हैं भाई, इन लोग को भी बहुत ही बुरी तरह मारना पड़ेगा। तो गाइस यार यहाँ पर ये लोग एकदम भर के गोलियां चला रहे भाई, बिल्कुल भी मौका ही नहीं दे रहे। और ये एक बंदा भाई शॉट मिस हो गया, रुक जा भाई फ्रैंकलिन, डर मत, रिलोड कर और चलाने ही लगेगी गोली। अभी फिलहाल भाई हम लोग कवर में है, लेकिन गोलियां इतनी ज्यादा आ रही है यार, इनसे बचना ही मुश्किल हो जा रहा है। अभी ना गाइस सबसे पहले तो इधर की तरफ में छुपता हूं। फ्रैंकलिन जल्दी से इधर से आ, पीछे से भी जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहां पर काफी सारे बंदे हैं। ऊपर की तरफ में एक बंदा यहां पर है, तो तेरी भैंस निकल यहां से, अब पड़ा बेटा इसके मत्थे पे। यहां पर एक बंदा हो रहा है, इसके बहुत ही बुरी तरह मैंने मत्थे बजाया। और यहां पर ओ भाई ये पीछे से कब आ गया, एक सेकंड, यहां पर मैंने उधर बॉम्ब फेंक दिया गलती से। और ये रहा एक बंदा, इसके पड़े रख रखे। बेटा कौन सी गैंग के बंदे हो तुम, मेरे को ये मैक्सिकन गैंग लग रही है भाई, ये बहुत ज्यादा खतरनाक गैंग है। और यहां पर पीछे के बंदे फ्रैंकलिन देख रहा है, फ्रैंकलिन भाग। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने इनके भर भर की गोलियां बजा दी और ये सारे के सारे बंदे ना ऊपर से आने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रैंकलिन जल्दी अंदर आ, हम लोग अंदर ही सेफ है, बाहर तो अपनी बहुत ही बुरी तरह तोड़ाई होने वाली है। अभी फटाफट से ना यहां पर जल्दी जल्दी भाग के हमें अंदर जाना पड़ेगा, कुछ जगह हमें ढूंढनी पड़ेगी जो कि थोड़ी बहुत सेफ हो। वैसे यार ये जगह भी मेरे को बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही है, बट हाँ यार ये जगह पे थोड़ी बहुत शांति है। अभी फिलहाल यहां पर मैं क्या ही करूँ यार, इतने सारे बंदे हैं, इनसे कैसे बच के जाऊंगा। और गाइस ये कहां से आ रहे हैं सारे भाग भाग के, ओ भाई ये रे। तो बिना गाइस फिलहाल मैं इनको बहुत ही बुरी तरह मारने वाला हूँ, निकल यहां से। अभी फिलहाल इसके भी मत्थे पे पड़ेगी भाई, मेरी एमओ ही खत्म होने वाली है, अपनी M249 निकालो भाई, अब इनके पड़ेगी रख रख के। तो यहां पर इसके भी बचा दी। और फ्रैंकलिन ने भाई साहब, फ्रैंकलिन के बहुत ही बुरी तरह गाइस गोलियां पड़ चुकी है, अभी फिलहाल इनको मारना पड़ेगा ट्रक के एकदम। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर फ्रैंकलिन ने भी पीछे के काफी सारे बंदे मार दिए, साथ ही मैंने भी ढेर सारे बंदों को यहां पर मारा है। बाकी यार ऊपर की तरफ में ना एक बंदा यहां पर अभी हो रहा है, और इसके पड़ी नहीं क्या, एक सेकंड यार शॉट मिस हो गया। अब मैं इसके बजाऊंगा रख के, मार इसको फ्रैंकलिन, इसका भूत उतार देंगे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जितने भी बंदे थे ऑलमोस्ट हमने सबको मार दिया। और यहां पर ऊपर से भी कुछ बंदों ने आना शुरू कर दिया है, इसके भी हेडशॉट पड़ गया सामने की तरफ में, ये इनकी गैंग का बंदा, इसके भी हेडशॉट बजा दिया। और यहां पर और कोई है क्या, ये रहा एक बंदा यहां पर, ये भी उन्हीं की गैंग का, तू भी निकल यहां से। ओ भाई यहां पर इसकी पड़ी नहीं। बाकी यार यहां पर अभी मेरे को प्लेन की आवाज आई थी कहीं से, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये रहा बंदा। 3, 2, 1 बाय बाय मेरे भाई। तो चलो यार अभी फिलहाल यहां पर इसे भी ढेर कर दिया। फ्रैंकलिन जल्दी से इस जगह के हमें अंदर चलना पड़ेगा सबसे पहले। तो बाकी यहां पर अभी भी एक के बाद एक यहां पर सोल्जर आ जा रहे, तुम्हारा बहुत हो गया, अब बारी है बेटा मेरी। तो यहां पर बस मैं इस पूरी की पूरी जगह में गाइस बॉम्ब ही बॉम्ब लगाने वाला हूं, ताकि जितने भी बंदे ना सारे के सारे मारे जाएं, वरना यार इन बंदों की ना कोई भी गिनती नहीं, आखिरकार ये कितने हैं।
अभी फिलहाल यहाँ पर गाड़ियां तो मैंने सारी फोड़ दी और ये गाइस अब बहुत ही बुरी तरह जल के मरने वाले हैं। तो चलो बेटा अभी यहाँ पर इनकी बनेगी रेल और अभी ना गाइस फिलहाल ओ भाई साहब यहाँ पर पीछे निकलो पीछे, ओ भाई सामने से भी बंदा, एक सेकंड यार यहाँ पर तो बुरी तरह ब्लास्ट होने लग गया, पूरी की पूरी जमीन हिल चुकी है इस टाइम पर भाई, पीछे वाली गाड़ी भी फूट चुकी है और ऊपर से कौन मार रहा है, नहीं 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 आगे से नहीं, आगे से नहीं, यहाँ से पीछे चलना पड़ेगा, यहाँ पर एक बंदा और आ गया भाग के, मैं सोच रहा हूँ गाइस ऊपर चले जाऊँ। तो गाइस यार ये जो ब्लास्ट था ना इसने तो पूरा का पूरा दिमाग हिला डाला, मतलब कि यार मैंने बॉम्ब डाले थे सिर्फ एक नॉर्मल ब्लास्ट करके बंदों को जला के मारने के लिए, बट यार यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ थी ना बहुत ही बुरी तरह ब्लास्ट हुई हैं और यहाँ पर ये जो बंदे हैं ना भाई अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, एक के बाद एक आए जा रहे हैं। फिलहाल उस तरफ में एक बंदा है बट उसकी गोली नहीं लग रही शायद से गाड़ी भाई, एक सेकेंड यहाँ पर पीछे की तरफ में बंदा था इसको भी मैंने मार दिया। तो गाइस देखो यहाँ पर जितने भी सोल्जर हैं ना सबके आर्मर बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, हर किसी के माथे पे ना दबा के 50 गोलियां मारनी पड़ रही है तब जाकर वो मर रहा है। तो चलो भाई अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको मार दिया, ऊपर की तरफ एक बंदा है इसके मैंने भी गोलियां मारी थी लेकिन ये दोबारा उठ गया, बेटा दोबारा मत उठियो वरना मैं और बुरी तरह मारूंगा अगली बारी। तो चलो यार अभी फिलहाल ये तो एकदम शांत हो गया और ये मैं कहां पर आकर अटक गया हूं, तो चलो अभी फिलहाल यहां से मैं हट चुका हूं। सामने की तरफ में एक बंदा हो रहा है इसके भी एकदम रख के गोलियां पड़ेगी, एक सेकंड रुक जाओ इसके तो बॉम्ब भी मैं मारने वाला, इसकी भैंस की निकल यहां से। तो चलो अभी फिलहाल यहां पर इसके बचा दी और आखिरकार बचा कौन, अच्छा जी वही मैं सोचूं कि गोलियां इतनी देर से मार कौन रहा है, ये बचा 3 2 1 निकल यहां से। ओ भाई ये तो काफी खतरनाक हेलमेट ले लेके बैठे हुए हैं। तो गाइस वही मैं सोचूं इतनी देर से मार कौन रहा है, कुछ बंदे यहाँ पर ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं तो निकल यहाँ से, भी फिलहाल इसके सीधा हेड पे मारी है, यहाँ पर पीछे की तरफ में भी कोई तो आई है, 3 2 1 निकल यहाँ से भाई सब, हेडशॉट में भी कुछ नहीं हुआ, एक और खाएगा अभी। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको मार दिया और दोनों बंदे मारे जा चुके हैं, बट डील कहाँ चल रही थी, एक सेकंड जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो चीज़ तो मेरे को मिली ही नहीं, आखिरकार वो जो डील थी वो चल कहाँ रही थी मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिलहाल इस तरफ में ये पता नहीं क्या इन्होंने बना रखा बड़ा सा, इसके अंदर का पानी वानी साफ होता है क्या, क्या चीज़ है ये अभी कुछ समझ ही नहीं आ रही। और यहाँ पर ये कौन सी गैंग है, एक सेकंड ये मेरे को मैक्सिकन गैंग लग रही है, उधर एक सेकंड के लिए यहाँ पर, एक सेकंड यार इसकी मैं बॉडी कैसे पलटूँ अभी यहाँ पर, ओके तो शक्ल से तो ये मेरे को मैक्सिकन गैंग का ही बंदा लग रहा है। यहाँ पर गैंग के भी बंदे थे काफी सारे और मिलिट्री के भी काफी सारे बंदे थे, सबको हमने मार दिया। फ्रैंकलिन कहाँ पर है, तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन सामने की तरफ से भागता हुआ आ रहा है, इसको ना मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ दिखा है यार, इतनी देर से मैं बस यही ढूंढ रहा हूँ आखिरकार डील हो कर रही है। ये जो रूम है ना गाइस ये रूम खुलने का भी नाम नहीं ले रहा है, मैंने कई बार ट्राई कर लिया पता नहीं यार क्या सीन है इस रूम का, एकदम दबा के गोलियां मार रहा हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा, एक काम करता हूँ इसके ऊपर ना गाइस मैं एक बॉम्ब फोड़ देता हूँ तब शायद से कुछ होगा, लेकिन यार ये जो गेट है ना भाई मेरे को लग रहा है पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है और गाइस फ्रैंकलिन कह रहा है कि पीछे की तरफ में ना एक जगह है वहां पर ये लोग छुप के अपनी डील कर रहे हैं। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से मैं इस जगह पे दबा के बॉम्ब लगाता हूं, इस जगह को पहले तोड़ते हैं फिर अंदर घुस के इनका मुंह तोड़ेंगे। भाई वही मैं सोचूं इतनी देर से कि डील आखिरकार हो कहां पर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भाग के पीछे से निकल जाएं, हो सकता है पीछे से भी कोई रास्ता हो, जल्दी से भाग करा इस जगह को गाइस फटाफट से डिस्ट्रॉय करते हैं। तो चलो भाई अभी फिलहाल यहां पर बॉम्ब तो मैंने फोड़ दिए हैं, तो चलो गाइस अभी ना एकदम आराम आराम से हम लोग अंदर चलते हैं। वैसे तो यार यहां पर मैंने 6 बॉम्ब लगाए थे लेकिन ये जगह बड़ी बुरी तरह ब्लास्ट हुई है और अंदर की तरफ में कोई बंदा है, यहाँ पर मैंने इसको डाउन कर दिया और ये हो क्या रहा है, एक सेकंड भाई यहाँ तो बड़ा ही गलत सीन हो रहा है, अभी जल्दी से एक बारी अंदर चलते हैं। यहाँ पर भाई फायर की वजह से ना ये जितना भी धुआं भाई ढंग से कुछ नजर ही नहीं आ रहा अंदर। फिलहाल यहाँ पर एक बंदा हो रहा है इसको भी मैंने मारा और यहाँ पर अभी अंदर ढेर सारे बंदे मेरे को ऐसा लग रहा है, ओ भाई साहब यहाँ पर तो काफी सारे बंदे अंदर छुप के बैठे हुए थे। तो अभी मैं सोचूं आखिरकार ये इतनी गोलियां चलने पर ऐसा, मतलब जब गोली चल रही है ना तो उसके अंदर जो लाइट निकल रही है ना उसकी वजह से धुआं देखो कैसा चमक रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर इनके मैंने भर की गोलियां बजा दिया है। तो गाइस सिर्फ और सिर्फ 5 बॉम्ब ने इतना ज्यादा खतरनाक धमाका नहीं किया है, यहाँ पर ना काफी सारे वेपन्स ऑलरेडी थे वो भी मेरे हिसाब से फटे हैं इसीलिए इतना ज्यादा धुआं निकल रहा है। बाकी एक बंदा मेरे हिसाब से सामने की तरफ में और बचा, इसको भी मैंने मार दिया और अभी तो कोई नहीं बचाना। और गाइस इस जगह तो यार बुरा हाल ही हो गया इस जगह का, मतलब पूरी एकदम फूट गई, पता नहीं कितने वेपन्स ये लोग दे रहे थे मिलिट्री वाले। तो अभी जल्दी से यहाँ पर मैं अंदर चलता हूँ, बाकी तो यार यहाँ पर जितने भी बंदे थे मैंने सबको मार दिया और सामने देखो कितना सारा पैसा है। फिलहाल यहाँ पर एक एक टनल है, ओके तो गाइस अभी ना फिलहाल बहुत ज्यादा गलत सीन हो गया, इस टनल के अंदर गाइस बहुत ही बुरी तरह आग लग गई है। तो यार देखो जो माफिया था और जो मिलिट्री के बंदे यहाँ पर डील करने आए हुए थे ना मेन बंदे, वो सारे के सारे इस टनल के थ्रू भाग गए हैं और उन्होंने इस टनल के अंदर अब आग लगा दिया ताकि कोई और अंदर ना आ पाए। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल बहुत बढ़िया सीन हो गया, हमें 2-2 पेटी कैश मिल चुका है, इतने सारे वेपन्स मिल गए हैं कि हमें दोबारा कभी वेपन्स खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो भी जल्दी से ना मैं सीधा लेस्टर को कॉल करता हूँ और उसको बताता हूँ कि वो किसी गाड़ी का इंतजाम करके यहाँ पर आए, सब कुछ एकदम बढ़िया
बढ़िया हो चुका है, अब बस हमें यहाँ से जितना भी कैश है सारा का सारा लेकर यहाँ से निकलना है। और मेरे हिसाब से यार यहाँ पर मिलिट्री वाले आते ही होंगे। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है। लेस्टर कह रहा है कि वो जल्दी से जल्दी एक ट्रक लेकर वहीं पर पहुंच रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि तुम इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर मिलिट्री ना आ जाए वरना हमें इनमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन गाइस अभी सब कुछ तो हो गया, बट यार जो मेन माफिया था जिसको मारने के लिए हम यहाँ पर आए थे उसको मैंने मारा नहीं। वैसे हम लोग मारने के लिए थोड़ी आए थे, मेन हमारा काम था डील कैंसिल करवाना, तो हमने डील तो कैंसिल करवा ही दिया है। जितनी भी जिस चीज की डील होनी थी पैसों की और वेपन्स की वो सब हमारे पास है, तो अभी जो माफिया वो शायद बिग माफिया के भाई को नहीं मारेगा। तो चलो यार अभी सब कुछ बढ़िया हो चुका है। सबसे पहले तो यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, फ्रैंकलिन अपना भारी वेट कर रहा है, वो अंदर नहीं आया क्योंकि यार अंदर कुछ भी हो सकता था इसलिए मैंने उसे मना कर दिया था अंदर आने के लिए। बाकी तो यार यहाँ पर सोचो कितने वेपन्स और होंगे जो कि अभी ब्लास्ट हो चुके हैं। यहाँ पर एक गैराज डोर काफी ज्यादा मजबूत था लेकिन फिर भी टूट गया। अभी फिलहाल मैं तो यहाँ से बाहर आ गया हूँ, सबसे पहले बाहर निकलते हैं। ये रहा फ्रैंकलिन। तो गाइस अभी ना फिलहाल लेस्टर यहाँ पर गाड़ी लेकर आता ही होगा। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 750,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। जो भी चैनल पे न्यू चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि गाइस यार हमें जल्दी से 10 मिलियन भी हिट करने हैं भाई, ये बिल्कुल एकदम अनबिलीवेबल है मेरे लिए। तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो सभी लोग, और जिसने इंस्टा पर फॉलो नहीं करा फॉलो कर दो यार, 1 मिलियन फॉलोवर भाई एक सपना था तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जाओ यार इंस्टा पे फॉलो कर लो, एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।